ये फोन केस ठीक है, पर मैं जानती हूँ कि और बेहतर कैसे दिखेगा। मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। ग्लू से लव हार्ट बनाएंगे, अब इसे फिल करेंगे, बस ग्लू सेट ना हो जाए। इससे पहले इस पर ग्लिटर डाल देंगे। पूरे फोन केस पर अलग अलग कलर का ग्लिटर डालेंगे। मुझे बहुत पसंद आया, ये परफेक्ट है। हेलो, कैसा चल रहा है? वो क्या भी, जरा इस फोन केस को तो देखो। हे, तुम ये कहाँ से लेकर आई? बहुत अच्छा है। हाँ, ओ, तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? ये बहुत आसान था, ये सब इसकी वजह से हुआ। ये क्या, कोई मजाक है? वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मेरे लिए भी एक बना दो। क्या सुबह हो गई, कितनी अच्छी नींद आई। मैं तैयार हो जाती हूँ, दांत एकदम साफ कर लेंगे। मुझे सीरो बहुत पसंद है। क्या टाइम हो गया, मैं स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहती, जल्दी से बैग पैक करना होगा। मुझे ये चाहिए, ओ और ये भी। मुझे क्लास में बहुत सारी चीजें ले जानी है, बस कुछ भूल ना जाओ, सब फिट आ जाएगा। मैं ग्लू गन तो छोड़ कर नहीं जाऊंगी। कुछ मिसिंग है, आहा, मिल गया। मैं और टॉयज ले जाना चाहती हूँ, स्कूल बहुत बोरिंग है। ओह, ये बढ़िया है, लगता है अब मेरे पास सब कुछ है ना? लगता है मैंने सब कुछ रख लिया, और कुछ तो नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो चलो चली। ओह, ये भारी है, चलो भीड़। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, कोई दया नहीं। मेरा बैग, नीचे की तरफ कोई छेद था, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ओह हे, एक कार्डबोर्ड बॉक्स, शायद ये काम आ जाए। मैं इसमें अपनी सारी चीजें रख देती हूँ, साइज भी परफेक्ट है, बस कुछ चीजें बाकी हैं, बाकी किसे जरूरत। हाँ चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये अभी भी बहुत भारी है, ये उठ नहीं रहा। क्या सच में फिर से ऐसा क्यों हो रहा है? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं क्या इस्तेमाल करूं? मेरी ग्लू गन, ये आज काम आ जाएगी। पहले इस बॉक्स पर पतली सी ग्लू की लाइन लगाते हैं, एकदम आराम से। ये एकदम सीधी होनी चाहिए और बीच में गैप्स ना हो। इस तरफ और स्क्वायर्स बनाएंगे और बॉक्स के ऊपर तक बनाते जाएंगे। इसे करने में मजा आ रहा है। बॉक्स को स्क्वायर्स से कवर कर दिया है, अब साइड पर भी और लाइंस बनाएंगे। ये ऊपर वाली लाइन से मैच होनी चाहिए, हम एकदम आराम से करेंगे। अब दो हैंडल्स को फ्रेम पर लगा देंगे और अब बस हमें बॉक्स को निकालना है। और नया बैग तैयार है, इसमें सारा सामान रख सकते हैं। ये सारा कमाल मेरी ग्लू गन का है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। एयरपॉड्स बहुत कूल गैजेट है और इसका केस थोड़ा बोरिंग होता है, पर एक 3D पेन से हम इसे बहुत मजेदार बना सकते हैं। सबसे पहले केस पर वर्टिकल लाइंस बनाएं, लाइंस को साथ साथ जोड़ते हुए पूरे केस पर बनाते जाएं, बटन के आसपास भी और केस के नीचे के हिस्से को भी कवर करें लाइटनिंग पोर्ट को छोड़ते हुए। जब ये हो जाए कलर बदलें और ढक्कन पर सर्कल बनाएं। 3D पेन स्टिक से इसके ऊपर ट्रायंगल बनाएं, अब फूल बनाएं और आखिरकार थोड़ी आईलैशेस। ये बन गया आपके एयरपोर्ट्स के लिए यूनिकॉर्न केस। हे, जरा ये देखो, कितना प्यारा है ना? मैं जानती हूँ मेरा केस तो बहुत प्लेन है। वाओ, ला ला ला। फिर मेहनत का काम है, ये कैसे हो सकता है? कमाल की डिस्कवरी है, बस आराम से। ये तो रोमन पॉटरी का एग्जाम्पल है, मैं फेमस हो जाऊंगा। मुझे इसे कहीं सुरक्षित रखना होगा। आओ, ये शेल्फ काम आएगी, कितना खूबसूरत है। अब हम सफाई करेंगे, हर जगह डस्ट है। हाँ, ये कप यहाँ क्या कर रहा है? कितना पुराना सा है। मैं जानती हूँ इसका क्या करना है। कप को उल्टा रखें, एक एल्यूमिनियम बॉल की शीट लें और इसके एक बॉल बना दें। एल्यूमिनियम बॉल के ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाएं। अब इसे कप के बेस पर चिपका दें। ऐसी ही और तीन बॉल्स लगाएं। इस तरह एल्यूमिनियम फॉल को शेप दें और कप के साइड पर लगा दें। और दूसरी साइड फॉल की एक लंबी स्ट्रिप लगा दें। अब फॉल के ऊपर कलर्ड ग्लू डालें, कोई भी जगह ना छोड़ें। कप को भी ग्लू से ढक दें। पहले रिम से शुरू करें और फिर ग्लू को नीचे आने दें। जब ये सेट हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक स्माइली फेस भी बनाना, ये काफी बेहतर है। हे, तुमने मेरा आर्टिफैक्ट देखा? वो एक छोटा सा कप था, काफी पुराना दिखता था। ओ, मैंने उसे ठीक कर दिया, देखो। ये कैसा मजाक है, मेरी इतनी मेहनत खराब हो गई। तुम्हें पसंद नहीं आया?
मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन। हाय, मुझे जगह बहुत पसंद आई। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ओह, एक पेन। ये कोई आम पेन नहीं है। मेरे पास पहले से ही लेजर पेन है। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? ये दिखने में लिपस्टिक है, पर देखो। हाँ, अच्छा लगा। हाँ ड्यूड, मेरे पास ये पिछले साल से है। ठीक है, इसे बेचना मुश्किल है। जरा सोचने दो। ओ, मैं समझ गया। थोड़ा जल्दी कर दोगे? इससे सब दिखता है। सच में? जरा इन्हें देखो, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, मेरे पास ये है। टूटे हुए ग्लासेस को एक जगह पर रखें। 3D पेन से अब इसे जोड़ें। ग्लासेस के फ्रेम पर इसे लगाते जाएं। अब फ्रेम के ऊपर भी यही करें। जब ये हो जाए तो इसकी डंडी जोड़ें और इसके ऊपर भी 3D पेन चलाएं। पूरे पर यही करें। पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटे भी थे। हम, मैंने जोड़ दिए। ये स्टाइलिश है ना? ओह, मुझे ट्राई करने दो। खैर, तुम्हें कैसा लगा? ये तुम ही रखो। पर ओह, मैं समझ गया। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत खुशी है कि हम मिल रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि हमें मिले बरसों हो गए हैं। साथ मिलकर रोमांटिक मील खाना अच्छा लगता है, बस तुम और मैं, है ना? ये बहुत ही अच्छा मोमेंट लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये खाओ। चिकन? ये यहाँ पर कैसे आया? एक टॉयलेट ब्रश? रुको, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। ले आओ, ये खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, मुझे बहुत पसंद आई। चलो एक पिक्चर ले। एक्सक्यूज मी, क्या आप एक पिक्चर ले सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। स्माइल, जरा मुझे दिखाओ। क्या ये वही रंग है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे मेरा कैमरा दो। शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। ठीक है। ये सब तुमने क्या किया? उसके पास मेरी जैसी रिंग थी। बिल्कुल सेम ऐसी। मैं चाहती हूँ कि मेरी रिंग खास हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मैं इस पेपर पर लव हार्ट ड्रॉ करूँगा, फिर मैं इसे पूरा क्लियर ग्लू से भर दूंगा। अब मैं इसे फिल कर सकता हूँ। बस मुझे ध्यान रखना होगा कि ये अपनी शेप में रहे। सही है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। हो गया, अब अगला पार्ट। इससे पहले कि ये सूख जाए, मैं इस पर ये रिंग लगा देता हूँ। मुझे आराम से करना होगा। ये बढ़िया है। अब मैं और ग्लू डालूंगा, इतना काफी होना चाहिए। अब मैं इन्हें बीट्स में डिप करूंगा। ये बिल्कुल अनोखी है। एमा, ये तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगी। ओह लियाम, ये खूबसूरत है। तुम बहुत रोमांटिक हो। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर मैंने उसे कहा, हाँ जो भी हो ब्रो, टीचर वैसे भी मुझे डिटेंशन दे ही देगी, पर मुझे परवाह नहीं थी। तुम बहुत फनी हो, काश मैं वहाँ होती। लियाम, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। ये डरावना था। शुक्रिया लियाम। मेरा लॉलीपॉप कहाँ चला गया? ये रहा। मैं इसे नहीं खा सकती, इस पर बाल लग गए। बेहुदा, काश मैं अम्मा की मदद कर पाता। हे अम्मा, ये ले लो। नहीं चाहिए। खैर, मैंने कोशिश की। रखो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने ग्लू गन में कैंडी डालूंगा। मैंने इस पेपर पर ट्रायंगल ड्रॉ किया था। मेल्टेड कैंडी का इस्तेमाल करके मैं इसे कलर कर दूंगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे लाइंस में ही करना होगा, ये परफेक्ट होना चाहिए। मुझे ट्रायंगल के बॉटम में गैप छोड़ना होगा। ठीक है, अब मैं कैंडी को कलर करूंगा। मुझे कुछ ग्रीन यूज करना होगा। अब ग्रीन का डार्कर शेड लेते हैं। ये लगभग हो गया। मैं इसमें एक वुडन स्टिक डालूंगा और कुछ डिटेल्स ऐड करूंगा। ये वाटरमेलन लॉलीपॉप है। वाह, ये शानदार है। ये तुम्हारा है। तुम बहुत प्यारे हो। अरे कोई बात नहीं। ये बहुत स्वादिष्ट है। बढ़िया, मैंने अपने लिए भी एक बनाया है। हे, ये काफी अच्छा है। ये जिराफ का परफेक्ट कलर है। ये बहुत सुंदर लग रहा है।
मैं और क्या पेंट कर सकती हूँ। शायद मैं डैडी को भी सुंदर बना सकती हूँ। मुझे काफी अच्छी नींद आई। मुझे याद नहीं कि मेरी मूछे ग्रीन कब थी। लगता है अम्मा ने फिर से पेंटिंग की है। मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ। ब्रेकफास्ट का समय है हरी, पेंट ब्रश को नीचे रख दो। ठीक है डैडी। रुको, शायद मैं स्पून को पेंट कर सकती हूँ। अभी से ही ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या कर रही हो स्वीटी? वो इतनी भी क्या जल्दी है? तुम इसे यूज नहीं कर सकती। आप बहुत मीन हो। उदास मत हो। एक मिनट रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया है, शायद से ये काम करेगा। मुझे बस एक 3D पेन और एक स्पून की जरूरत है। मुझे बस इसकी शेप को फॉलो करना है। बस एमआई से देख ना ले, उसे ये बहुत पसंद आने वाला है। अब मुझे हैंडल बनाना होगा। मुझे इसे बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते रहना है। हो गया, अब बस मुझे इसे स्पून के ऊपर से उठाना है। ये एमा का अपना स्पून होगा। ओह, ये देखो। वाओ, ये शानदार है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने पेंट किया था। मैं खाना चाहूंगी। मेरा फेवरेट। ये अच्छा है डैड, शुक्रिया। अब मैं और नहीं खा सकती। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हिलना मत। नहीं, मेरे बाल नहीं, पीछे हटो। हाँ, ये रहा, मजे करो। शुक्रिया। बाय, फिर मिलेंगे। ये कस्टमर भी खुश होकर गया। एक सेकंड रुको, मैं तो भूल ही गया था, आज तो उनका बर्थडे है, मुझे गिफ्ट चाहिए। चलो देखते हैं। ये चलेगा, ये परफेक्ट है। और क्या है? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। चलो तुम जाओ, लगता है सब डाल दिया। मैं इसे लड़कियों को भेज देता हूँ। वाह, ये डैड ने भेजा है, मैं देखना चाहूंगी। ये क्या है? कम से कम वो भूले तो नहीं। हमें जरूर मजा आएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। जरा रुको, मैं अपनी इयररिंग्स भूल गई। आह, ये रहे। हाँ, ये क्या? ओह हाँ, ये लुक अच्छी लग रही है ना? तुम्हें कैसी लगी? वाओ, हाँ मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी है। ये गलत बात है, मैं अपनी इयररिंग्स खुद बनाऊंगी। मुझे प्लास्टिक मोल्ड चाहिए, इसे क्लियर ग्लू से भर देंगे। इसे सेट होने दे। अब ग्लू गन से इस तरह डिजाइन बनाएंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ, मुझे एक बड़ा ग्लास का बोल चाहिए। इसके ऊपर ग्लू की एक लाइन बनाएंगे। अब इन सबको साथ में लगाना है। इन पीसेस को साथ में जोड़ेंगे। अब हम इन्हें कवर कर देंगे। मैंने हुक्स लगा दिए हैं और मेरे इयररिंग्स तैयार हैं। चलो इन्हें पहन ले। तुम ये कहाँ से ले आई? ये एकदम अनोखे है। ओह हेलो, तुम्हें कुछ करना होगा, ये इमरजेंसी है। वाह, इतनी जल्दी आ भी गया, चलो देखते हैं। मुझे यही तो चाहिए, एक 3D पेन। तुम जल रही हो, ये मेरा है। तुम क्या करोगी? तुम देखते जाओ। समझ गई। हेलो किटी, चलो करें। मेरे पास कैट पॉ की ड्राइंग है, इसके ऊपर 3D पेन चलाएंगे। इसे व्हाइट प्लास्टिक से कवर कर देंगे। अब पिंक कलर करेंगे, ये इसके टोज होंगे। ये बहुत प्यारा लगेगा, मॉली तो हैरान रह जाएगी। इतना काफी है, चलो इस पर चेन लगा दें। वाह, ये पॉसम है। क्या सच में? पर मैंने पहले से नेकलेस पहना हुआ है, ये तुम पहन सकती हो। वाह, आज का दिन मेरे लिए लकी है, ये कितना सुंदर है। तुम पर जच रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आ जाओ बेस्टी। ऐसे ही और बढ़िया वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ग्लिटर एपॉक्सी से एक सिरिंज भर लें और इसे बटरफ्लाई मोल्ड में डालें। एपॉक्सी को सेट होने दें। अब इसे मोल्ड से निकाल लें। विंग से कीचेन और हुक अटैच करें, इससे बहुत सुंदर इयररिंग्स बनेंगे। वाह, अच्छे लग रहे हैं, किसने कहा ये महंगे ही होने चाहिए। पार्टी टाइम। हाय, तुमने बो टाई लगाया हुआ है? हाँ बिल्कुल। मजे करो। कितना बढ़िया म्यूजिक है। बो टाई नहीं लगाया हुआ? हाँ,
बस कॉलर ही है। बोटाई नहीं है तो पार्टी नहीं हो सकती। सच में? जरूर रुको, मुझे थोड़ी क्राफ्टिंग करनी होगी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? 3D पेन का जादू देखो। तुम्हें बोटाई चाहिए? मैं तुम्हें बोटाई दूंगा, बस इसे फिल करना है। कितना बढ़िया लग रहा है, बस थोड़ा सा और हो गया। देखा, मेरी बो टाई देखो बेबी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? डांस करते रहना। ये बहुत जोर से लग रही है, मैंने हील्स क्यों पहनी है? शांति मिली, बहुत गंदा है, हर जगह कचरा फैला हुआ है। मैं यहाँ नंगे पैर नहीं चल सकती, मैं बीमार हो जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसे पहन कर इसे सहना होगा। अरे यार, बस पहुँच ही गए। आओ, वो। बहुत जोर से लगी होगी। रुको, क्या ये शूज हैं? बहुत गंदे हैं। खैर, मैं इन्हें साफ कर लेती हूँ। एक मिनट रुको, इस वॉल से मुझे एक आइडिया आया। मेकओवर, इन गंदे शूज को एक और मौका मिलना चाहिए। 3D पेन सब कर सकता है, बस थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। कुछ कलर्स और। ओह, बढ़िया लग रहा है। इस खाली जगह को फिल करेंगे, इस तरह पैटर्न्स बनाते जाएंगे। अब लाइट ग्रीन कलर लेंगे, इसे अच्छे से फिल कर लें। थोड़ा समय लगेगा, अब लाइंस चेंज कर लेंगे। हमें पता था ना कि कुछ ऐसा ही होगा। अब बस फाइनल टचेस की बारी। मेरे नए कस्टम मेड शूज देखो, और ये मैंगो से इंस्पायर्ड है। अब बस एक चीज बाकी है, इन्हें पहनना। वाह, क्या फिट आए हैं, मैं बहुत लकी हूँ। अब मैं डांस कर सकती हूँ। कैसे हो दोस्तों? बाल बिल्कुल परफेक्ट है, ये हुई ना बाल, एकदम परफेक्ट। या शायद नहीं, सही पोजीशन नहीं मिल रही। क्यों? क्या सुबह हो गई? ये कौन है? मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, ये कैसे हो गया? शुरू से करना होगा, पता है ना क्या करना है? चलो भी, प्लीज, चलो भी। ओ नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी कॉम। ओ हनी, तुम्हारे स्नैक्स। डैडी, मेरे बाल। हाँ, एक बार में एक परेशानी ही लेकर आओ, ठीक है? तो चलो, अब मेरे 3D पेन की बारी, वो भी तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक। बिल्कुल, पता है मैं क्या बना रहा हूँ? कोई बात नहीं, ये सिर्फ आउटलाइन है, अब इसे फिल करेंगे। ये थकाव देने वाला है, पर जब पूरा हो जाएगा तब देखना। यहाँ थोड़ी और जगह है, परफेक्ट। अब नया सेक्शन पकड़ते हैं, इस बार लाइन्स इस तरह बनाएंगे। अब थोड़ी और, बहुत सारी लाइन्स बनाएंगे। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बस थोड़ा और बाकी है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इसके दांत, क्योंकि ये कॉम है, पर ये वाली सबसे प्यारी होगी। टडा, हो गया। वाव, बहुत सुंदर है। अब बाल सुलझ जाएंगे और जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। वाह, एकदम सिल्की स्मूथ। मुझे अपनी पुरानी कॉम की याद भी नहीं आ रही। वाह, ये लॉक्स तो देखो। शुक्रिया। ओह हाँ, मैं इस आर्ट में कमाल कर रही हूँ, और अब मेरे सिग्नेचर। हे डैड। हाँ, इस बार तुमने क्या बनाया? ये आप और मैं है डैडी। लग तो नहीं रहा, ये पकड़ो, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। ठीक है। ये तुम्हारा नाम है, मेडिसिन। ये तो मुझे पता है डैड। ओह, एक सेकेंड, मैं समझ गई। मैं ट्राई करती हूँ ऐसे।
हाँ बिल्कुल। फिर ए? हाँ बनाती जाओ। हाँ इसी तरह। हाँ बस हो ही गया, बस एक और लेटर लिखना है। जी हाँ बस हो गया। ओह गलत है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। हार मत मानो, मैं जानता हूँ क्या करना है। हमें जार के नीचे का हिस्सा चाहिए। अब 3D पेन से बॉर्डर बना देंगे, पूरा घुमा लेंगे। अब लेटर्स वाले बीट्स इन पर लगा देंगे। पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? जी हाँ मेडिसिन। एक्स्ट्रा लेयर से ये टिके रहेंगे। अब सबसे मजेदार हिस्सा, ये तुम अपने हाथ में पहन लो। अरे वाह, अब मैं अपने नाम की स्पेलिंग कभी नहीं भूलूंगी। कूल। एक और बार ट्राई करो। तुम कर सकती हो स्वीटी। हाँ तुमने कर दिखाया, मेरी शाइनिंग स्टार। ये सनग्लासेस साफ नहीं है। ये हुई ना बात। ओह एक कस्टमर, मैं यहाँ पर पैसे खर्चने आया हूँ। मैं यही सुनना चाहती थी। इसे कितनी जल्दी है। तो यहाँ क्या है, क्या ये फैशनेबल है? मुझे पसंद है। तुम्हारे पास और क्या है? ये हुई ना बात, ये मुझ पर जचेगा। ट्राई कर देखते हैं। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मुझ पर हर चीज जचती है। हे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। पता है इसके साथ क्या जाएगा? ग्लासेस। तुम बहुत अच्छे दिखोगी। मुझे अच्छा दिखना पसंद है। दिलचस्प है। ट्राई करो। ठीक है, मुझे कुछ हमेशा अलग ही पसंद आता है। मुझे पसंद आए, जरा देखो। मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुमने इसे? खैर छोड़ो, अब ये कैसे रहेंगे? ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ। पता नहीं, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा, बहुत अलग अलग स्टाइल्स है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। तो मेरे ग्लासेस कैसे रहेंगे? बहुत हुआ। अरे रुक जाओ। क्या है? मेरे पास एक और चीज है, वो ट्राई करो। सोचो मुझे कुछ बेचना ही होगा। ओह ये सही रहेगा। नहीं मैं अपनी विशेष पूरी कर चुकी हूँ। मेरी ट्रस्टी ग्लू गन काम आएगी। शेप बनाने के लिए ग्लिटर ग्लू इस्तेमाल करेंगे। ये क्लाउड जैसे दिखनी चाहिए, मजेदार है। एक और क्लाउड बनाएंगे, ये मेरे कस्टम ग्लासेस के लिए फ्रेम्स होंगे। अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। अब हमें ब्लू एपॉक्सी रेजिन चाहिए, क्लाउड्स के बीच में डालेंगे। दूसरे क्लाउड में भी ऐसा ही करेंगे। ये होंगे लेंसेस। अब इसके सख्त होने का इंतजार करेंगे। ग्लासेस का फ्रेम बन चुका है। कूल है ना? मतलब मैं तो ये जरूर पहनूंगी। जरा इन्हें देखो। हाँ अच्छे हैं। जरा मुझे दो, बाकी उसे तो बेहतर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही तो चाहिए था। हाँ, शांति मिली। ये मुझे दे दो। कितने के है? $5। मेरा मतलब है रुको, ये बिल्कुल अनोखे हैं, तो ये है $500 के। हाँ ले लो, ऐसे मौकों पर पैसे नहीं देखते। वो थैंक्स। नहीं शुक्रिया। टाटा। चाओ, दोबारा जरूर आना। अरे वाह ये तो काम कर गया। मैं बहुत नर्वस हूँ, बस एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। एमिली मुझे और कॉन्फिडेंट होना होगा। एमिली नहीं ये बेकार लग रहा है। एमिली ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे प्यार की निशानी है। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? ओप्स, ओ नहीं वो कहाँ चली गई? वो यही कहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ओ ओ आ हे एमिली, मैं तो बस प्रेसअप्स कर रहा था। चलो बैठ जाते हैं। तुम अच्छी लग रही हो। वाह अच्छा। हाँ सच में। रुको क्या ये नेल पॉलिश है? मैं ये ले सकता हूँ? क्यों, भरोसा रखो इससे सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्लास्टर के ऊपर नेल पॉलिश लगा लेता हूँ, पतला सा बैंड बन जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो इसे पेंट करेंगे, पिंक कलर सही रहेगा। और इससे डार्कर शेड से गैप्स को फिल कर देंगे। अच्छा लग रहा है।
और इस पर दिल बनाएंगे। ये परफेक्ट है, बस ये गिर ना जाए। हाँ तो चलो। एमिली, क्या हो रहा है मैथ्यू? हे भगवान, ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मॉम का बर्थडे तो भूल ही गई। यहाँ पर कुछ होगा? कुछ भी नहीं है। यहाँ थोड़े पैसे पड़े होंगे। बिंगो, चलो शॉपिंग करें। क्या मैं एक फोन ले सकती हूँ? एक नई गाड़ी? एक रोज कैसा रहेगा? शुक्रिया, दोबारा आना। $2 में कुछ मिलेगा? मैंने अभी अपना आखिरी बुके बेचा है। अरे यार, खैर तुम्हारे लिए थोड़े पेटल्स पड़े हैं। वैसे मैं जानती हूँ, पेटल्स को ऐसे फेंके नहीं, उनके ऊपर क्लियर पॉलिश पेंट करें और फिर यूवी लाइट के नीचे रख दें। ये अच्छा है, इयररिंग बनाने के लिए ये परफेक्ट है। कूल है ना? कितना प्यारा है। मॉम, ओह हाय बेटी, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मॉम, तुम कितनी प्यारी हो। ये बहुत प्यारे हैं और एकदम असली। थैंक यू, आई लव यू हनी। चलो इसे बदल दे। फ्रेश ज्वेलरी, ये आजकल बहुत चल रही है। आज ही वो रात है। वो मेरी बगल की बदबू है। ओह, इससे थोड़ा सही रहेगा। हो गया, वो भी आने ही वाली है। टाइम हो गया, तुम इधर जाओ दोस्त। वो आ रही है। हे, हाय बेबी, तुम मानोगे नहीं आज क्या हुआ। तुम डिजर्ट क्यों नहीं खाती? ठीक है तो आज काम पर। हाँ, उसने वो निगल तो नहीं लिया ना? क्या, तुमने रिंग नहीं देखी? मैंने वो तुम्हारे डिजर्ट में डाली थी। ये तो सही नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारा नेकलेस। क्या? कुछ भी नहीं, जरा रुको। ये छोटा सा स्ट्रेटनर देखे, इस पर वैक्स पेपर लगाए और बीच में बीज रख दे। अब प्रेस करे। वो कितना कूल है। अब इसे सीधा निकाल ले और मार्कर के ऊपर लपेटे और इसे सख्त होने दे। देखा बेटी? क्या? ओह, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। ओह, क्या? ओह, हाय। ओह, एक लड़का। ये लो, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तुमने क्या देखा? कार्ड्स। ओह कूल। गह, सब ठीक है। ठीक है, घबराओ मत, क्रिस्टल बॉल सब बताती है। मुझे प्यार का मतलब दिखाओ क्रिस्टल बॉल। क्या ये भी होता है? मैंने पता नहीं क्या क्या देखा। मुझे जाना चाहिए। रुको, मैं कुछ बता सकती हूँ। हाँ यही, थोड़ी एपॉक्सी ले और इसके अंदर रेड फूड कलरिंग डाली। अब इसे अच्छे से मिला दे। कितना सुंदर है ना? अब जो चाहे उस मोल्ड में इसे डाल दे और जब ये सख्त हो जाए तो इसे निकाल लें। पर अभी पूरा नहीं हुआ। नेकलेस तैयार है। जरा रुको, मुझे पसंद आया, ये परफेक्ट है। ओह, मुझे पसंद करता है।
शुक्रिया, मजे करो, बाय, चलो चले। मेरा तो ये रोज का काम है। लो, ये लो। रुको, मुझे किस करो, तुम ही मेरा प्यार हो। वाह, चलो पार्टी करें, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, यही जगह है। नॉक नॉक। हाँ, ये कौन है? चलो जल्दी आओ। हेलो, पिज्जा डिलीवरी। ये लो। हे, तुम पार्टी कर रहे हो? मुझे गाना बहुत पसंद है। ये टैंगी है। मुझसे गलती हो गई। ओह, ये क्यूट है। पिज्जा आ गया। ओह, मुझे दो। रुको, मेरे ये थोड़ा छोड़ दो। समझ गया। कितना मजा आ रहा है। हे, एक स्लाइस लोगी? ओह, मतलब पिज्जा। हाँ, शुक्रिया। चलो डांस करें। ओह हाँ। और मेरा क्या? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक पॉपसिकल स्टिक चाहिए। इस पर ग्लू लगाएंगे, बड़ी स्ट्रिप बनाएंगे, अब एक ट्रायंगल बना देंगे, अब इसे फिल कर देंगे और ग्लू को सेट होने देंगे। अब कलर्स बदल देंगे। अब मैं रेड ग्लू इस्तेमाल करूंगी। ये पेपरोनी जैसी दिखेगी। ये कमाल है। रेड ग्लू का एक और सर्कल बनाएंगे। अब हमें व्हाइट आउट पेन चाहिए। इसे ग्लू पर लगाएंगे। लगता है ये हो गया। ये बढ़िया लग रहा है। देखो मेरे पास क्या है। हाँ, इसने क्या कहा? वाह, बढ़िया लग रहा है। हे, कैसा चल रहा है? माफ करना, इसके पास बहुत बढ़िया पिज्जा है। ये क्या कर रही है? मेरे पास कुछ खास प्लान है। क्या हमारा आज एग्जाम है? जरा इसे देखो। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बातें कर रही है? मुझे की चेन चाहिए और ये तुम बनाओगे। अब समझ आया। मैं जानती थी मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं क्या इस्तेमाल करूँ? मैं अभी आती हूँ। आओ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये परफेक्ट है। अब तुम मेरे हो। ये बिल्कुल परफेक्ट प्राइम है। ये टीचर का वेस है। मैं जानती हूँ क्या करना है। इसमें फ्लावर्स लगाएंगे। ये बहुत कलरफुल होगा। मैं फ्लावर्स को अरेंज कर देती हूँ। अब मुझे ग्लू गन चाहिए। अब मैं अपनी नेल पेंट की बोतल लेती हूँ और इससे ग्लू को दबा देंगे। इससे इसकी शेप बन जाएगी। चलो देखते हैं। वाह, जरा इसे देखो। ये बहुत बढ़िया लग रही है। ये तुमने बनाया? मुझे कुछ सोचना होगा। दिलचस्प है। अगर मैं समझ गई। मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूंगी। इसे वाटरमेलन स्केच के ऊपर ट्रेस करेंगे। पहले आउटलाइन से शुरू करेंगे, एकदम आराम से। अब कलर करेंगे। ग्रीन इसके लिए परफेक्ट है। अब फ्लैश के लिए रेड कलर करेंगे। कोई गैप नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आखिर तक करते जाएंगे। अब सीड्स के बारे। इस पर ब्लैक प्लास्टिक लगाएंगे, इतना काफी है। वो मैंने कमाल कर दिया। ये कैसा मजाक है? हाँ, मैं कहाँ हूँ? किचन तैयार है। ओह वाह, बहुत अच्छे मॉली। ये बस वाटरमेलन है। हाँ, ये रही मेरी किचन। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। ये कमाल है। क्या तुमने सुना? चलो बदल ले। वाह, चलो काम पर लग जाए। अब ग्रेस, तुम ये क्या कर रही हो? ध्यान से। ओह, देखो तुमने क्या किया। यहाँ ध्यान दो। मैं अपने ही जोन में थी। डांस करना बंद करो। मैं सीरियस हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरा लैंप तोड़ दिया। ये मैंने नहीं किया, ये गलती से हो गया। हाँ बिल्कुल, अब तुम इसे ठीक करो, नहीं तो तुम गई। मॉली बैठ जाओ। किसने शुरू किया? अरे यार, अब वो गुस्से में है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे इसे ठीक करना होगा। मेरे पास कुछ है। मुझे एक बलून चाहिए। इसे प्लास्टिक में रैप करेंगे। अब मेरा 3D पेन इस्तेमाल करेंगे। अब प्लास्टिक पर पैटर्न बनाएंगे। इस पूरे पर बनाते जाएंगे। अब इसे सजाएंगे। ये बहुत बढ़िया होगा। जितना सोचा था उससे भी अच्छा है। अब मुझे लाइट चाहिए। ये शानदार है। ओह मॉली, ये तुम्हारे लिए। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। क्या सच में? मुझे तो तुमने डरा दिया था। ओ, चलो भी।
रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। एलईडी लाइट पर ग्लू लगा देंगे, इस पर लव हार्ट बनाएंगे। ये कितनी प्यारी है, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मुझे बहुत पसंद आए। उफ, सब गीला हो गया। क्या गड़बड़ है? बाल देखो और मेकअप। वो बहुत तेज बारिश है। शुक्र है मैं छाता नहीं भूली। हाँ, ये सही नहीं हुआ। हे भगवान, ये क्या हुआ? मौसम ने सब बिगाड़ दिया। हाँ, तुम्हारे बालों को मदद की जरूरत है। हे, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। देखो वो रहा हैंड ड्रायर। अपना सर इसके नीचे रखो, ये काम करेगा, भरोसा करो। बढ़िया, हो गया। बाल सूखने दो। अरे वाह, इसने तो मेरे बाल ठीक कर दिए। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है। मॉर्निंग शावर की बारी, बाल सूखे रहने चाहिए। ये रहा बॉडी स्क्रब। ओह हाँ, मजा आने वाला है। हाँ, इतना बहुत है। स्क्रब स्क्रब स्क्रब, मुझे साफ त्वचा पसंद है। ओह, मैं बैग तक नहीं पहुंच पा रही। चलो भी थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। रखो, दीवार इस्तेमाल करके देखती हूँ। नहीं, बिल्कुल काम नहीं आया। अगर मैं, अरे हाँ, आ जाओ ग्लू गन। कुछ स्क्विगली लाइंस बनानी है। बढ़िया, और अब डॉट्स। ये कितना प्यारा पैटर्न है। हाँ, ये काम करेगा। चलो देखते हैं। हे, बुरा नहीं है। बिना हाथ इस्तेमाल किए मैं बैक स्क्रब कर रही हूँ। अरे हाँ, गेम शुरू करते हैं। वो लूजर, मेरे पास बताओ। डैडी बहुत अजीब है, हमेशा कंप्यूटर पर चिल्लाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मर जाओ। मैं कुछ खाना चाहती हूँ। ओह, ये कैसा रहेगा? चलो भी, हराओ उसे। अब मैं क्या खाऊं? ओह, किटी का कान। मैं इसे हराने ही वाला हूँ, ऐसे ही लगे रहना होगा। और क्या खाऊं? ओह, मैं अपना हाथ खा लेती हूँ। आउच। हाँ ये लो, मैं जीत गया। अब इसे और आगे ले जाते हैं। अरे हाँ, मैं VR गॉगल्स पहन लेता हूँ। पता है मेरे पास क्या है? एक जायंट ईयर बर्ड। अब मैं ये खाऊंगी। हे भगवान, देखो वहाँ, देखो डैड के असली ईयर बर्ड्स। उसे खाना सबसे अच्छा रहेगा। अच्छे लग रहे हैं। अब ये ले लेती हूँ। ये रहे ईयर बर्ड्स और ये असली है, जायंट नहीं। वो, मैं ये मैच जीत गया, मैं सबसे बेस्ट हूँ। रुको, मेरे ईयरबड्स कहाँ है? मैंने उन्हें यही छोड़ा था। एक सेकंड रुको, मिकी। ओ नहीं, उन्होंने पकड़ लिया, जल्दी चबाना होगा। मिकी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये मुझे दो, अभी क्या भी दो यहाँ। फिर वो हमेशा चीजें चबाती ही रहती है। क्या ये एक दांत है? ओ नहीं डैडी, क्या हुआ? ईयरबड्स मैंने पकड़ लिए। डैडी, आप तो बुद्धू हो। हे, ये मेरा दांत है, मुझे वापस चाहिए। लो, मेरा दांत अपनी जगह पर वापस आ गया। इसे चबाना मुश्किल है, मुझे इसका कुछ करना होगा। इसे अपने 3D पेन से और सुंदर बनाते हैं। मुझे ग्रीन कलर पसंद है, इसे व्हाइट के ऊपर पूरा कर देंगे। ये अब ईयरबड केस में दांत के निशान नहीं है। करते जाएंगे, पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। ओह, ये तो प्लांट मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। रुको, मैं समझ गई। इस तरह और कलर्स की भी कर लेते हैं। ये बढ़िया लग रहे है ना?
क्यूट है, मैं इसमें माहिर हूँ। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत प्यारा है। डैड डैड देखो मैंने क्या बनाया, उठो और देखो। मिकी हनी नहीं, डैडी सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? देखो मैंने ईयरबड्स केस के साथ क्या बनाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, और इसने मेरे जैसा कलर पहना है, हम मैच कर रहे हैं। वो सबसे अच्छा है, और ये अपने पास ईयरबड्स भी रखेगा। ओह शुक्रिया मिकी, मैं इसे यही रखूंगा। गेम खेलते हुए वो मुझे देखेगा, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, आपको जीतने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, चलो अब खेलें। मारो। और मेरे पास दो और है, मैं इनके साथ खेलूंगी। मैं रेड हूँ, मैं येलो हूँ। देखते हैं। मिकी इधर मेरे डेस्क पर आओ। जी हाँ, यहाँ खड़ी हो जाओ प्लीज, जल्दी। अब जो यहाँ पर लिखा है उसे पढ़ो। पर व्हाइट बोर्ड पर तो साइन ही नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। हाँ? अरे नहीं, साइन ग्राउंड पर गिर गया। इस मैग्नेट के साथ इसे वापस लगा देता हूँ। दोबारा गिर गया, बकवास मैग्नेट। वही रहो, एग्जाम टाइम है, तुम टेस्ट के लिए तैयार हो मिकी? एग्जाम ठीक है, खैर तो एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये रहा एक कपकेक लाइनर, इस मैग्नेट को लेंगे और इस तरह बीच में लगा देंगे, और अब इसे हॉट ग्लू से भर देंगे। जरा ये देखो, कैरमल जैसा लग रहा है ना, पर स्वाद वैसा नहीं है। लो, ग्लू बिल्कुल ऊपर तक आ गई। अब इसके ऊपर हम प्यारे प्यारे स्प्रिंकल्स डालेंगे। टडा, ग्लू सूख गए और मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। मिकी तुम्हें रूल्स पता है ना, जरा देखो तो। क्लास में खाना नहीं ला सकते। ओ, पर देखो ये खाना नहीं है, मैं दिखाती हूँ। टडा, देखा ये मैग्नेट्स है। अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा किया मिकी, मुझे पसंद आया। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम का ग्रेड देते हैं, जो भी ऐसे मैग्नेट्स बनाता है उसे मेरी तरफ से A+। बहुत अच्छे, अब अपनी सीट पर जाओ। जरा मुझे इन्हें पास से देखने दो, एक बार इसे चेक कर देखूं, मैं मजाक कर रहा था। जी हाँ, स्ट्रेचिंग हो चुकी है। हाँ ये क्या है, कोई और भी वर्कआउट करने आया है? अरे वाह, हे कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं वर्कआउट करने आई हूँ। मैं भी, अच्छे से करना। ईयरबड्स लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं सीरियस हूँ, और वो है भी बहुत प्यारा। हे देखो, उसने केटलबेल रख दी, अब मैं उसे अपनी फिटनेस से इम्प्रेस करती हूँ। ये बहुत भारी है। हे मेरे ईयरबड्स को क्या हो गया? वो बाहर निकल गए। वापस लगा लेती हूँ। अब वो क्या कर रहा है? मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरे रैप्स होने ही वाले हैं। हाँ ये क्या, ये मजेदार है। क्या ये तुम्हारे हैं? हाँ, अब पुशअप्स। 1, 2, 3। ओह, अब वो पुशअप्स कर रहा है, मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आओ, मेरे ईयरबड्स ने खराब कर दिया। मैं वो करने ही वाली थी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओ, ये क्या है, दोबारा ईयरबड्स? हाँ रुको, मेरे ईयरबड्स कहाँ चले गए? हाँ वो यही है, ये ईयरबड्स लेकर कहीं और चली जाओ। हे भगवान, माफ कर दो, वो मेरे हाथ से फिसल गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास ईयरबड्स है, ये टिके नहीं रह सकते। बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बस मुझे परेशानियों में ही डाल रहे हो, समझे? तुम्हें हुआ क्या है? ये ईयरबड्स की गलती है सच में। लाओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये रहे मेरे हेडफोन्स और एक 3D पेन। पहले हम इसे इस तरह फिल करेंगे, ध्यान देना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और ऊपर की तरफ इस तरह ट्रेस करेंगे, पूरे बैंड पर बनाएंगे, और नीचे की तरफ भी और साइड्स में भी। लो हो गया, मैंने हेडफोन्स का एक मॉडल बना लिया। लो मुझे अपने ईयरबड्स दो। अच्छा हाँ शुक्रिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे ईयरबड्स को इस तरह लगा देंगे और इससे टिके रहेंगे, और ये पहन लो, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। अरे हाँ वर्कआउट, हाँ मैं भी कर लेती हूँ। ये क्या? ये रहा मेरा मार्कर और ये रहा 3D पेन। सबसे पहले इस कैप के ऊपर गोल गोल बनाएंगे
हाँ ये देखो, अब हम इसे निकाल सकते हैं। इस तरह एक लूप बनाएंगे और अब इसमें भी फिल करना है। इस तरह से आगे पीछे कर कर। ठीक है, ये हो गया। जो हमने पहले बनाए थे अब उन्हें ले आए, इन्हें साथ में जोड़ दें। अब थोड़ा येलो कलर चाहिए। इस येलो 3D इंक से मैं एक लेटर ड्रॉ करूंगी। छोटी सी हैट सर पर पहन लेंगे और अब मैं तैयार हूँ। स्विंग, हेड्स अप। ये क्या हुआ? हैंड, तुम क्या कर रही हो? हे भगवान, मैंने उसे मारा। मैं इस हैट को लिटिल डकी के ऊपर रख देती हूँ। ये इसने किया। दिन बीत ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर कटिंग करवाने आई हूँ। ओह हाँ, आपको देखकर खुशी हुई। प्लीज आइए बैठिए। शुक्रिया। हम बिल्कुल। बाहर मौसम कैसा है? अभी भी गर्मी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे बस थोड़े एंड से कटवाने हैं, स्प्लिट एंड्स निकाल दूं और बस थोड़ा अच्छा दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आराम से हो जाएगा। बस आपकी चेयर एडजस्ट कर दूं। बस थोड़ा सा और। जी हाँ, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके बाल बहुत खूबसूरत है, आप इनका ख्याल रखते होंगे। लगता है यहाँ से उलझे हुए हैं। क्या हो रहा है, तुम रुक क्यों गए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए, सब काबू में है। हे भगवान, मेरे कॉम टूट गए। ये तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? ओ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी गैस है। अब मैं क्या करूं? वो मेरी सबसे अच्छी कॉम थी। रुको, बिल्कुल मेरा क्रस्टी 3D पेन, इससे सब ठीक हो जाएगा। ये रही कॉम की एक तस्वीर, हमें बस इसे ट्रेस करना है। मैं इसमें अपने मनपसंद रंग का पिंक 3D इंक लगाऊंगा। हाँ, काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो, कॉम का आगे का हिस्सा बन गया। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। हम इस पर लाइट ग्रीन करेंगे। ये बहुत खूबसूरत है, इसे ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि ये कोम है। तो हम इसको और सुंदर बनाएंगे। जब ये हो जाए हम इस पर फूल बनाएंगे। हाँ, बस हो ही गया। और वाला, एक नई कोम। ओह, वो तो सो गई। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। ओह माफ करना, मेरी जरा आंख लग गई थी। ठीक है, लगता है ये लेवल मैं पार कर ही लूंगा। तो चलो, बस फाइनल ट्रेजर रन है, मैं कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है, काफी एक्साइटेड लगता है। मैं ये डंजन जीतने ही वाला हूँ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, ओ नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ। प्लीज, मैंने कहा ना नहीं, मैं खेल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने मना किया ना। हाँ तो ठीक है, इतने मतलबी भी मत बनो। मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई। बढ़िया, सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। बेवकूफ कहीं का। तो वो चला गया है, यही मौका है। उसे ये ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो इस गेम में अपने आप को माहिर समझता है। मैं उसे दिखाती हूँ मैं कितना बढ़िया खेल रही हूँ। वो तो इसके आस पास भी नहीं है। ये लो, और ये कैसा लगा? ओ नहीं, मैंने मग गिरा दिया। वो गिर गया। नहीं, ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी गेम खेल रही थी। एक सेकंड रुको, मैं समझ गई। जी हाँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूंगी, इससे सारी परेशानी हल हो जाएगी। बस इसके कोने को ट्रेस करना है। हाँ हाँ, अभी तक तो ठीक लग रहा है, ऐसा ही करते रहना होगा। अब इसे ऊपर की तरफ से लगाएंगे और लाइंस बनाते जाएंगे, जैसे इसे स्ट्रिप कर कर बंद करना हो या एक पैच बनाना ही समझ ले। इसमें बहुत सारी लाइंस चाहिए होंगी और जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, बस काफी सारी बेस लाइन होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो, लगता है मैंने उसे ठीक कर दिया। मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती थी। ओ नहीं, वो वापस आ रहा है, मुझे अपनी जगह पर जाना होगा। जल्दी करो, चेयर पर वापस चलो। मैंने कर दिखाया। कुछ तो गड़बड़ है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, खैर छोड़ो, जो भी हो। चलो, मैं अपना मग वापस फिल कर लेता हूँ। इस लेवल को जीतने के लिए मुझे हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। बढ़िया है, उसने देखा तो नहीं ये मेरे मग पर क्या है। खैर, ये इसका क्या ही कर लेगी। छोड़ो, मैं अपनी गेम खेलता हूँ। जी हाँ, ये रहा मेरा मोल्ड और मेरा फिलर। चलो अब इसे भर दे। ये स्पार्कली है और मजेदार। बस थोड़ा सा और, हो गया। अब इसे सेट होने दे, काफी समय हो गया है। चलो अब इसे मोल्ड से निकाल ले।
मुझे मेरा स्पार्कली यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और देखो अब ये मेरे फोन केस पर लग गया। ये कैसे हुआ? मुझे पढ़ना ही होगा। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, अब मैं समझ गई। लेकिन अगर मैं, आउ, मेरा सर, आउच। कूल गाइस क्लास, हे भगवान। ठीक है, शांत रहो, ये बहुत अच्छा मौका होगा। ओह, अब चलो अंदर चले। हे मेरे भगवान, ये तो कमाल ही हो गया। देखो इस क्लासरूम में कितने कूल लोग हैं। वो उधर कोने में टैटूज बना रहे हैं और ये लड़का यहाँ गिटार बजा रहा है। कितना कूल है, करते रहो, ये सबसे अच्छा टैटू होगा। ओह, लगता है उसे दर्द हो रही है। उम्मीद है इनकी नीडल्स ठीक है। ओह, लगता है ये अच्छी होगी। शायद नहीं। वो उसने उसे आर्म रेसलिंग में हरा दिया। हे भगवान, वो तो टीचर है। क्या एक ड्रेस को? खैर अब मुझे क्या करना होगा, देखते हैं। ओह, पियर्सिंग्स, इतनी सारी पियर्सिंग्स। हाँ, अब मैं क्या करूँ? मैं इस क्लास के लिए इतनी कूल नहीं हूँ, पर मैंने ये होमवर्क किया है। हे, एक सेकंड रुको, पेपर क्लिप। हे भगवान, मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ। जी हाँ, मुझे इसके लिए एक पेपर क्लिप चाहिए, चार काफी होंगे। और अब मुझे एक वायर कटर चाहिए। बस इन हुक्स को मैं अपनी नोज और लिप्स पर पहन लेती हूँ। अब कपड़े और बाल भी बदलने होंगे। जरा मैं इस बार क्लास से मिलूं। कितने कूल है, हमारी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। रॉक ऑन, हमारी जैसी। उसके पियर्सिंग्स को देखो। वाह, मुझे वो बहुत पसंद आई। मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। hey! ये क्लास की बात करना प्लीज। हाँ ठीक है। हे, आओ मेरे साथ वाले डेस्क पर बैठो। भागो, हम बारिश में गीले हो रहे हैं। लगता है ये रुक गई। भगवान का शुक्र है। हाँ, काफी मुश्किल हो रहा था। ओह नहीं, मेरा चेस बोर्ड, ये तो खराब हो गया। पता नहीं ये हुआ भी कैसे। सुनो, ये रहना, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, ठीक है, मैं लगभग तैयार हूँ। बस अपना चेहरा बचाना होगा। ग्लव्स तैयार है, चलो काम शुरू करें। ये रहे मेरे मोल्ड्स, अब मैं इसमें थोड़ा ग्लिटर डालती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे अपने मोल्ड्स में डालती हूँ, ज्यादा नहीं। अब इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा रेड और बिल्कुल थोड़ा ग्लिटर। बढ़िया, अब इसे दूसरे मोल्ड में डालते हैं। परफेक्ट, अब इसे सेट होने देते हैं। और लगता है ये पूरा हुआ। हाँ, ये निकल गया, काफी बढ़िया बन रहा है। मुझे ऐसे थोड़े और बनाने होंगे। ये बनना शुरू हो गया है, पर मुझे और क्लियर मिक्सचर चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लगती है। अब इसे मोल्ड में डाल देते हैं। सारे स्क्वायर शेप में इसे भरेंगे और जो पहले से बना रखे हैं उन्हें भी यहीं लगा देंगे। और बिल्कुल सही अमाउंट होना चाहिए। इस आखिर वाले को छोड़कर बाकी सारे फिल हो गए हैं। पूरा हुआ। हे भगवान, कितना बढ़िया लग रहा है। हे, और उदास मत हो, मैंने तुम्हारे लिए नया चेसबोर्ड बनाया। मेरे लिए? वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। हे, तुम खेलना चाहोगी? चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, मैं वापस आ गया। मैं जानता हूँ उसे ये बहुत पसंद आएगा। छिप कर जाना होगा। बताओ कौन? ओ, हाँ, कौन होगा? कोई इंसान ही है। ओ जी, ये तुम हो। हैप्पी बर्थडे। और जरा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। ओह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती। उसे बहुत पसंद आएगा। चम्मच? ओ नहीं, ये कैसे हो गया? मुझे सोचना होगा आज क्या हुआ था। वाह, ये बहुत खूबसूरत नेकलेस है। उसे पक्का ये पसंद आएगा। मैंने ये गिफ्ट बहुत मुश्किल से लिया है। एक सेकंड रुको, क्या टाइम हो गया? ओह नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे जल्दी जाना होगा। आ, ये मैंने कैसे कर दिया? क्या? वाह, मेरी ताकत ने इस चम्मच को भी तोड़ दिया। हाँ, हालांकि ये थोड़ा शाइनी है, शायद मैं इसके साथ कुछ कर पाऊँ। ठीक है, ये रहे मेरे प्लायर्स। और पहले इसके हैंडल को मोड़ेंगे। ये देखो, बस थोड़ा स्वर्ल करना है और इसमें थोड़ा ग्लिटर डालेंगे क्योंकि ये अच्छा दिखना चाहिए। वाह, ये देखो, और अब इसे सूखने दें। वाह, कमाल का लग रहा है। जैसा सोचा था उससे काफी बेहतर। ठीक है, मैंने आज का दिन बचा लिया। हाँ, वो क्या कर रही है? ओह, वो तो सो ही गई। खैर, पर उसे गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। चलो इसे मजेदार तरीके से उठाएं।
वाह, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? देखो मैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ये वाला बर्थडे सबसे अच्छा रहा। Oh, hi dear. मस्ती करने के लिए तैयार हो? Hey! Oh, sorry. एक मिनट रुको, मेरे पोते के पास भी ये है। तुम्हें बस एक हॉट लोगन चाहिए और थोड़े मजेदार कलर्स। जितने बटन्स चाहो उतने फिल करो। परफेक्ट, अब ये तैयार है। खैर लगभग। हाँ, ट्राई करना चाहोगी तो ये लो। एकदम फिट आ गए, मुझे पसंद आया, शुक्रिया। चलो चलें। हम गिर गए, अब हम नहीं उठ सकते। क्या ये पूरा हो गया? हाँ, काफी हद तक हो गया। बढ़िया, रुको, मेरी मॉम ये टैटू देखकर बहुत गुस्सा होंगे। हेलो, तुम यही हो ना? क्यों? माफ करना, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, गहरी सांस लो। शुक्रिया। एक मिनट रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया है। इस तरह का एक रबर मोल्ड लें और इसमें रंगीन कामी बेस डालें। मैं ह्यूज के लिए बहुत सारे लूंगी। अब इसे बैंड पर लगा दें। अब बेस के ऊपर ध्यान से एपॉक्सी रेजिन डाल दें, बिल्कुल ऊपर तक भरें। अब ये पहनने के लिए तैयार है और कितना प्यारा लग रहा है। और इससे मेरा टैटू भी छिप गया। अब सब सही है, तुम इसे कवर कर रही हो। कुछ भी करो। बैठिए, तुम घर आ गई। हाय मॉम। हाँ? ओह, एक टैटू। ओह, मेरे वाले के मुकाबले तो बहुत छोटा है, देखो। वाहो, आप सबसे अच्छी है। जैसी माँ वैसी ही बेटी। छोटे छोटे हाथों से तालियां। ये कभी बड़े नहीं होते, जरा इन्हें तो देखो। हैंडकफ्स। याइक्स। ओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने ये कब खरीदे? ये भी गए। नेल पॉलिश नहीं चाहिए। इस बॉक्स का काम तो पूरा हुआ। ओह, कितनी बुरी बदबू है। सुपर अच्छा लगा। और चीजें क्यूट है, पर मुझे और चाहिए। इसमें क्या है? वो हाँ ठीक है। न्यू पॉलिश, मैं ये जरूर इस्तेमाल करूंगी। मैनिक्योर टाइम, पर ये कोई आम मैनिक्योर नहीं है। हम इस बार उंगलियों को सजाएंगे। ये स्ट्रिप देखिए, अब इसे सूखने दें और यूवी लाइट के नीचे रख लें। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसे निकाल लें और सबसे मजेदार चीज, इसे सजाना। इस तरह का ब्रश सही काम करेगा। ये दिल कितना प्यारा है ना? इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर है बढ़िया। देखा, अब हमारे पास नई रिंग है, वो भी दो। मुझसे सांस लो। हाँ? लाजवाब, ये रिंग्स तो बहुत सुंदर है। ये मैं इनके लिए पैसे दूंगी। पहले तुम दो। तुम? चलो ठीक है। ये मैं अमीर हो गई। मैं इन्हें धो लेती हूँ। क्या तुम लोगों को भी रिंग्स चाहिए? नई ज्वेलरी क्यों खरीदनी है जब आप उसे खुद बना सकते हैं? पिंक जितना भी हो मुझे कम ही लगता है। और शेप्स के मामले में हार्ट शेप में जेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। लो, एक से बेहतर दो। अब एपॉक्सी रेजिन की बारी। घबराए मत, हम इस पर स्पार्कल डालेंगे और सुंदर सुंदर बीड्स भी। ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, लाखों में से एक, बिल्कुल मेरी तरह। वो एक असली मोमेंट, विश्वास नहीं होता। हाय। ओह, हेलो ह्यूमन। ओह, पास आओ। मैं? पर मेरे फिन्स हैं। देखो। ओह अच्छा, ये देखो,
पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। You're welcome. ये शानदार है। ओह, मेरी आँखें। हाँ, वो कहाँ चली गई? ये क्या हुआ? क्या वो पानी में है? हाय फिशी। नहीं। क्लेयर? हाँ? ओह, तुम हो। मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरा स्कूल है। ओह, हाय एवरीवन। ठीक है, एक बार मैं ही आओ। अरे वाह, साइन कर सकती हूँ? प्लीज। वाओ, हेलो, मैं यहाँ हूँ। देखो, रुको, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। रुको, मेरे रास्ते से हटो। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। अब जरा देखो, ये प्रिंटेड डिजाइन देखो। शेप बनाने के लिए बेंडेबल वायर इस्तेमाल करें। लो, अच्छा लग रहा है। जब ऐसे दो बन जाएं, तो दो कप एपॉक्सी रेजिन के साथ जो भी मनपसंद कलर हो वो डाल दें। बढ़िया। इसे स्टिक से फिल कर दें, इस तरह। और पर्ल कलर यहाँ डालें, इसे फ्लैट कर दें। अब इस तरह सर्कल बनाएं। ये छोटा सा सन लग रहा है, बहुत प्यारा है। और इस साइड पर छोटा सा क्रेसेंट मून बनाएं। ग्लॉस से ये टिक जाता है। परफेक्ट। ये सब सूख गया, जरा देखो। एक्सक्यूज मी, मैं आ रही हूँ। शुक्रिया। बिल्कुल। वाह, कितना क्यूट है। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। हे, ये मैच कर रहे हैं। हे, मेरी बेस्टी से आराम से पेश आओ। हे, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब हम साथ साथ हैं। ये, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टाइम हो ही गया। हम आजाद हैं। रुको। हाँ, मेरे पास स्नैक्स है। ये लो। शुक्रिया। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। हे, जरा ये ऐड देखो। वो, इसे अभी खरीद लो। पीका पीका। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। बढ़िया है ना? ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। काश मेरे हाथ और बड़े होते। बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास चम्मच है ना? एक चम्मच? खैर, ये बहुत अजीब है। आहा, अब थोड़ी आइसक्रीम लो। सच में? पर मैं इसे अपने मुंह में कैसे डालूं? ये बहुत मुश्किल है। बस पकड़ ही लिया। मजेदार है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? क्या ये पोकेमोन की चेन है? कूल। wow. मुझे भी ये डील चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत क्यूट है ना? अरे यार, आज ही अपनी की चेन ले लो। कॉल करो या फिर टेक्स्ट। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस ये चम्मच चाहिए। हाँ, ये क्ले के पीसेस देखो, इन्हें इस तरह रोल करो। अब इसे स्पून के ऊपर रखे। एक और स्पून से इसे फ्लैट कर दे। ये परफेक्ट है। अब एक मजेदार हिस्सा, बहुत सारा ग्लिटर डालेंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट से इसे सुखा देंगे। हो गया। अब इसे निकाल लेंगे। सुंदर है। वाओ, अब मेरे पास अपनी की चेन है। इसे बैकपैक पर लगा दो प्लीज। हाँ, ये लो। और इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगे। अरे हाँ, जरा ये तो देखो। तुम मेरी सबसे अच्छी मोमेंट बेस्टी हो। ओह, अरे यार, ये पिघल गई। ये आइसक्रीम सूप है। ओह, ये क्यूट है। बू! ये सब मत करो। हे, मेरी एक फोटो लो। हाँ ठीक है। हाँ, मैं एक पोज मारूं? हाँ बिल्कुल, अच्छे लग रहे हो। मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नेचुरल हूँ। ओप्स, नहीं। बाल बाल बचे।
जरा रुको, मेरे नेकलेस से मुझे एक आइडिया आया। इस हैक से अपना फोन सेफ रखिए। पहले एक लंबा सा थ्रेड ले। अब हमें एक डेकोरेटिव बीट चाहिए। थ्रेड पर बीट लगाएं और अलग अलग कलर्स के बीट्स लगाएं। कलर्स को इस तरह बदलें। जब ये हो जाए तो इस थ्रेड को बांध लें और ये बन गया आपका नया ब्रेसलेट। फालतू का थ्रेड काटी नहीं, हमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा नॉट और बांधना है ताकि इसमें एक लूप बन जाए। एक तरफ इस ब्रेसलेट को रखें। अब हमें चाहिए फोन केस। केस की साइड से इस तरह निकाल लें और अब लूप से ब्रेसलेट निकाल लें। ध्यान रहे कि ये टिक जाए। अब केस में अपना फोन डालें। एकदम क्यूट, फैशनेबल और प्रैक्टिकल। मैं स्मार्ट हूँ ना, बस मुझे इसे अपने हाथ में पहनना है और मेरा फोन गिरेगा नहीं। वो, अब तुम मेरी फोटो ले सकती हो। ओ हाँ, आ गई। बहुत अच्छी फोटो है। कितना खूबसूरत है। 2 हफ्ते हो गए, पता भी नहीं चला। हमने साथ कितना अच्छा समय बिताया। इमोशनल हो रही हूँ। ओह हाय डेविड, मुझे ड्रिंक चाहिए, बाहर बहुत गर्मी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? एनिवर्सरी प्रेजेंट। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती थी। वो थैंक्स, इसे पकड़ो जरा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, पर उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। ये तो बढ़िया है, मुझे यही तो चाहिए था। तो तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, क्या? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें एक प्रेजेंट दिया तो। हाँ, मैं तो ये सब भूल ही गया था। मेरे पास बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ है। अपनी आंखें बंद करो। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, जल्दी जल्दी में गिफ्ट चाहिए, हम संभाल लेंगे। सोडा कैन से फुल टैब्स निकाल लें। 3 टैब्स को पिंक कलर करें, थोड़ा सा गंद मच जाएगा। बाकी टैब्स को ग्रीन पेंट करें। इन्हें अच्छे से पेंट करें, जरा भी ना छोड़ें। अब इन्हें सूखने दें। इन्हें उल्टा करें और इस साइड भी पेंट करें। इन्हें सीधा रखकर मेटल रिंग से जोड़ दें। इयररिंग हुक्स लगाएं और ये बन गई एक अनोखी ज्वेलरी। हाँ, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें पसंद आए, ये तुम पर जचेंगे। ओह, बहुत पसंद आए। थैंक यू। मुझे क्या दिखाओ, क्या ये? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। तुम बहुत प्यारे हो। मुझे अपना मेकअप पूरा करना है और मैं तैयार हूँ। लो, अच्छा लग रहा है। और मुझे नेक में कुछ पहनना चाहिए, ये स्कार्फ सही रहेगा। अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सुपर हीरो का केप हो। कैसा है ये? नहीं चलेगा, मैं नहीं पहन सकती। एक आइडिया है, मैं निकाल लेती हूँ। मुझे यही तो चाहिए। एनी, तुम क्या कर रही हो? मुझे चाहिए, प्लीज। ये अच्छा लगेगा। मुझे लगा था कि अच्छा लगेगा। मैं क्या पहन सकती हूँ? ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसा लग रहा है? बकवास है, मैंने क्या सोचकर पहना? अब मैं क्या करूं? कितनी गलत बात है। अरे, मुझे कुछ खाना होगा। ये अच्छे हैं। क्या हुआ हानी? मुझे एक सुंदर सा नेकलेस चाहिए। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये जरूर काम करेगा। थैंक्स मॉम। प्लास्टिक फूड कंटेनर से नीचे का हिस्सा निकाल दें। एक पेपर पर अपना नाम लिखें और उसे ढक्कन पर लगा दें। अब प्लास्टिक पर अपना नाम ट्रेस करें। हमें अब ये पेपर नहीं चाहिए। कैंची से इसका नाम काट लें। ध्यान रखें, कोई गलती ना करें। इसे एक बेकिंग शीट पर रखें और ओवन में रख दें। इस हीट से प्लास्टिक श्रिंक हो जाएगा। अब इसे ठंडा होने दें और ओवन से निकाल लें। चलो क्रिएटिव हो जाए। प्लास्टिक पर पेंट करें, पेंट को सूखने दें। अब
अब इसे चेन से जोड़ दें। मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड नेकलेस, वो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? वो कहाँ है? शुक्र है मैं फूल ले आया। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या ये मेरे लिए है? नहीं, मुझे दो। ठीक है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम कब से कहीं बाहर नहीं गए। बिल्कुल। ओह, क्रिस आ गया। रुको, ये लूना क्या कर रही है? मुझे अकेला छोड़ दो। गैबी आ गई। जाओ यहाँ से लूना, चलो जल्दी जाओ भी। हे क्रिस, तुम्हें अब एक्सप्लेन करना होगा। ओह हाय गैबी, वो यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ये अच्छे हैं। तो मुझे चलना चाहिए। कितनी बढ़िया गेम है, टाइम पास करने का अच्छा तरीका है। मैं इसे पूरा दिन खेल सकता हूँ। हे क्रिस, तुम कहाँ से आ गई? मैंने सोचा साथ में थोड़ा समय बिताया जाए। तो तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है ना? मुझे भी, वो प्लम्बर वाली गेम खेलने में मजा आता है। क्यों ना कभी हम साथ में खेलें? क्यों ना अभी खेलें? ये कैसा मजाक है, ये नहीं हो सकता। क्या कहते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। बताओ उसे लूना, मैं जा रही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ क्रिस, मैंने कुछ नहीं किया। पर इसे रोकना होगा, और शायद मैं जानती हूँ कैसे। ये कोई खास फोटो नहीं है, पर मुझे यही चाहिए। मुझे बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। पहले फोटो के ऊपर एक चेन रखेंगे। अब मेरे ग्लू गन के बारे, चेन को रखकर मैं अपने चेहरे को ग्लू से कवर करूंगी और फिर इसे काट लेंगे। क्या ये करना जरूरी है? मैं देखती हूँ। वाह, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, ये बढ़िया है। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। अगर इससे गैबी को खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं। तो चलो कुछ खाएं। तुम स्नैक देख रहे हो, यहाँ पर है। ओह तुम, ये क्या है? क्या ये गैबी है? मैं जा रही हूँ। ये काम किया, मैं जानती ही थी इससे उसे सबक मिलेगा। वाह, क्या मैं देख सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। वाह, क्या ये सच में मेरे लिए है? वाह, क्या सच में एक ब्रेसलेट मेरे लिए? वाह, विश्वास नहीं हो रहा, मैं इसे अभी क्या भी पहन रही हूँ। मुझे पसंद आया, ये परफेक्ट है, हमेशा पहन कर रखूंगी। मैं बहुत लकी हूँ, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं जहाँ भी जाऊँ तुम मेरे साथ चलोगे। कितनी अच्छी गेम है ना? चलो तुम भी करो, तुम्हें गेम पूरी करने के लिए वहाँ तक पहुँचना होगा। हाँ, क्या दिन था, मैं बहुत थक गई हूँ। हमने साथ में बहुत मजे किए। लो, तुम एकदम कोजी हो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। ये सीरियल बहुत टेस्टी है, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें ये सारा खाना होगा। अच्छा नहीं लगा क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। चलो साथ में देखिए फ्रिज में क्या है। चलो भी, तुम्हारी पसंद का कुछ तो होगा। जरा रुको, कुछ मिसिंग है। दरवाजे के ऊपर अक्सर एक रबर बैंड होता है। इससे तुम फ्रिज नहीं खोल पाओगी। और जंक फूड अलाउड नहीं है, समझे? ठीक है मॉम, तुम मुझे बाद में शुक्रिया अदा करोगी। पता नहीं वो कहाँ चला गया। जरा रुको, इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो खा सकती हूँ। बहुत मजा आएगा। देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट और वेजिटेबल्स। कुछ और भी होगा। एव, गंदा लग रहा है। अच्छी चीजें कहाँ है? आहा, वो रहा चॉकलेट स्प्रेड, मेरा फेवरेट। मुझे चाहिए। मैं पहुँच नहीं पा रही। रुको, मैं समझ गई। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? आहा, तुम मेरे हो। मेहनत करना रंग लाया। ये क्या? मेरा ब्रेसलेट। क्यों? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत गलत बात है।
हानी, क्या हो गया? मॉम, सब खराब हो गया। मेरा ब्रेसलेट टूट गया, पूरे फर्श पर गिर गया। ओह अच्छा, मैं बीड्स उठा देती हूँ। पता नहीं मैं इसे जोड़ पाऊंगी या नहीं। कितना गलत हो रहा है। रुको, क्या ये चॉकलेट स्प्रेड है? ये मुझे दो। मेरे पास एक आइडिया है, शायद ये काम करे। जार को टेबल पर रखेंगे, अब नीचे की तरफ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। इतना काफी है। अब इस पर बीड्स लगा देंगे। हम इसे ग्लू पर लगाते जाएंगे। इसके लिए हम छोटे बीड्स इस्तेमाल करेंगे। हमें दोबारा ग्लू गन चाहिए। बीड्स पर ग्लू लगाएंगे जिससे ये टिके रहे। पूरे ही जार पर ऐसा करेंगे। अब इसे उठा सकते हैं। देखो गाबी, मेरे पास क्या है? एक नया ब्रेसलेट। वाओ, मैं ये पहनना चाहती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, जरा ये देखो, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी। ने, तुम्हारी कोशिश नाकाम रही फ्रिज, अगली बार कोशिश कर लेना। ठीक है, अजीब है, मैं अपना भी ब्रेसलेट बनाऊंगी। हाँ बनाना, हम ट्रेनिंग करेंगे। छोड़ दो एमिली। नहीं, ये मेरा है, मैंने पहले देखा था। रुको, अब एक ही चीज हो सकती है। ओह तो ये बात है, तो शुरू करते हैं। मैं सर्कल्स बनाऊंगा। मैं सर्कल्स के साथ हमेशा जीतता हूँ। बीच से? तुमने बीच से शुरू कर दिया, अब तो तुम गए। तुम मेरे जाल में फंस रही हो। मैं जानता था तुम यही करोगी, ये बहुत आसान होगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अब तुम क्या करोगी? जरा देखो। मुझे देखना चाहिए था। रुको, मैं जानती हूँ, पर तुम ये नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने कर ही दिया। और जरा देखो, मैं जीत गई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेडी तुम ही ले लो। ओह, इसकी आंखों को तो देखो, मैं इन्हीं में खो जाती हूँ। इससे परफेक्ट और क्या होगा? जैसा मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल वैसा है। हम साथ में बहुत प्यारे लगेंगे। रुको, शायद एक रास्ता है, शायद मेरी स्पेल्स बुक काम आए। मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा, पर पहले मुझे एक एमुलेट चाहिए। थोड़ी जगह बना लेते हैं। एक एपॉक्सी रेजिन का बोल चाहिए। अब इसमें ग्लिटर डालेंगे। क्या गया स्पार्कल। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिल जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अब इसे मोल्ड में डालेंगे। मैं एक लव हार्ट का मोल्ड लूंगी। वाह, इसके कलर को तो देखो। इसे ऊपर तक भर देंगे। अब सेट होने का इंतजार करेंगे। मोल्ड से निकाल लेंगे। अब इस पर चेन लगा देंगे। वाओ, कमाल का लग रहा है। मुझे यही तो चाहिए, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब स्पेल की बारी है। इस नेकलेस की वजह से मैथ्यू को मुझसे प्यार हो जाएगा। उसे बताओ कि मैं ही उसकी किस्मत में हूँ। कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। ये काम कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओह हाँ, तो चलो। एमिली, वाह, उसने मुझ पर ध्यान दिया। मुझे उससे बात करनी चाहिए। हे एमिली, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वो तुम्हारा नेकलेस तो कमाल का है। इसे देखकर मुझे लगता है ये हिप्नोटिक है। हाँ, तुम ठीक तो हो? लगता है मुझे जाना चाहिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। खोलो एमिली। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये आइडिया बहुत ही बकवास था। लो, ये तुम रख लो, अब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये कहाँ से आया? बहुत ही अजीब है। रुको, नेकलेस, मुझे वो चाहिए। दूर रहो। ओ मिस्टर यूनिकॉर्न, तुम बहुत सॉफ्ट हो। मैं पूरा दिन तुम्हें कडल कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, क्या ये मेरा दांत है? कैसे, ये कैसे हो गया? इसका मतलब टूथ फेरी आने वाली है। मॉम, अंदर आओ। सब ठीक तो है स्वीटी? देखो, मेरा दांत गिर गया। मेरा प्यारा बच्चा बड़ा हो रहा है। मैं जाता हूँ, मुझे टूथ फेरी से क्या चाहिए? मुझे ये एयरपॉड्स चाहिए। तो तुम्हें इसे अपने पिलो के नीचे रख लेना चाहिए। क्या आइडिया है मॉम, इससे बिल्कुल सेफ रहेगा। और अब हम इंतजार करेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम्हें सो जाना चाहिए, वो आने ही वाली होगी। ओह ठीक है, मिस्टर यूनिकॉर्न को नहीं भूल सकते। गुड नाइट मॉमी। स्वीट ड्रीम्स, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगी। ओ
अब मेरे आने की बारी आ गई है। जरा इसे देखो, कितना प्यारा है। मैं इसका दांत उठा लेती हूँ, बस मैथ्यू उठ ना जाए। मिल गया। अब मैं इसे नए पॉट से बदल देती हूँ। ये ड्यूट सही रहेगी, उम्मीद है उसे पसंद आए। एक मिनट रुको, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपना 3D पेन चाहिए। पहले केस पर वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, एकदम पास पास, कोई गैप नहीं चलेगा। जब ये हो जाए तो ऐसा ढक्कन पर भी करें। एक साइड पर इस तरह छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे और अब साइड्स पर। इतना काफी है, मैंने कार्ड के पीस पर यूनिकॉर्न बनाया है। अब इसे 3D पेन से फिल कर देंगे। हमें लाइंस के अंदर ही रहना होगा। पहला पार्ट हो गया, अब हम कान बनाएंगे। और अब दूसरी साइड पर कलर स्विच कर दूसरे सेक्शन को फिल करेंगे। ये कलरफुल होना चाहिए, सेक्शंस इस तरह जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, और हॉर्न कैसे भूल सकते हैं, ये परफेक्ट है। अब बस फिनिशिंग टचेस की बारी। मुझे ये बहुत पसंद आया। अब इसे केस पर लगा देंगे। इसका ढक्कन यूनिकॉर्न का मुंह लग रहा है, मैथ्यू को ये बहुत पसंद आएगा। अब इसे इसके तकिए के नीचे रख देंगे, वो देख कर हैरान हो जाएगा। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। क्या टूथ फेरी आई थी? चलो देख लेते हैं। वो जरा इसे देखो, ये तो कमाल है। मम्मी, क्या हुआ डियर? टूथ फेरी आई थी? उसने ये मुझे दिया है। वाह, टूथ फेरी तो बहुत टैलेंटेड है। मैंने ट्राई करना चाहता हूँ, आप ये वाला ले लो मम्मी, कूल है ना? हाँ बिल्कुल, शलालालाला। हाँ, मुझे बबल्स बनाना पसंद है। क्या? अरे नहीं, ये तो खराब है, ये काम नहीं करेगा। मैं तो बस बबल्स फुलाना चाहती थी। फेरी यहाँ है। मैं बबल्स नहीं बना पा रही। अच्छा तो ठीक है, मैं इसका कुछ करता हूँ। वॉन्ड को छोड़ो, मेरे पास 3D पेन है और ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, पैटर्न बन गया, अब इस पर 3D पेन चलाएंगे। वॉन्ड का हैंडल ग्रीन कलर से बनाएंगे, ये देखो। अब स्टार पर येलो करेंगे और अब सर्कल्स में रेड। अब ये आसान हो रहा है और हो गया, ये मैजिक वॉन्ड तैयार है। हाँ देखो, मैंने एक बबल वॉन्ड तुम्हारे लिए बनाई। ओह ये खूबसूरत है, और बबल्स को देखो। ये बबल्स बहुत ही सुंदर है। हाँ तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। तो आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। मैं भी। हाँ तो ठीक है, चलिए एक दूसरे के हाथ पकड़िए। हाँ बिल्कुल इस तरह, बहुत ही बढ़िया। ओह रिंग्स कहाँ है? अरे हाँ रिंग, वो मेरी पॉकेट में ही थी। हाँ वो यहीं पर थी, ये लो। मैं इसे देखना चाहूंगी एलेक्स। ये रिंग बॉक्स तो खाली है, अब क्या होगा? हाँ रिंग, वो कहाँ है? शादी पर रिंग ही नहीं है, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो तो बस मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हे भगवान कितना बुरा हुआ, रिंग कहाँ चली गई? मुझे जल्दी से कुछ ढूंढना होगा। ये नहीं चलेगा। नहीं शायद इसमें कुछ और है। हे ये तो हॉट ग्लू गन है, ये काम आएगी। ठीक है ये रहा रिंग बेस, पर इस पर जेमस्टोन लगना चाहिए, हॉट ग्लू काम आएगी। यहाँ पर एक गोल्डन ग्लोब लगाएंगे और अब ग्लिटर, पर्पल उसका फेवरेट कलर है तो यही लगाते हैं। ये हुई ना बात, कितना शाइनी और स्पार्कली है। हाँ इसे रिंग बॉक्स में रखेंगे, आज मेरी शादी है। शुक्र है मेरे पास ग्लू गन थी, बाल बाल बचे। मैं वापस आ गया, चलो अब शादी करें। मैं आ गया हूँ। हाँ ये रही मिसिंग रिंग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। मिकी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल करूँगी। हे भगवान ये तो पर्पल है, मेरा फेवरेट। मुझे ये सब बहुत पसंद है और ये रिंग बहुत खूबसूरत है। ओह मिकी मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आए। और मिकी अब हमें एलेक्स की रिंग चाहिए। रिंग? एलेक्स के लिए रिंग? अरे हाँ वो यही कही थी। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ मैं बस अभी आई और वो गई, थोड़ा समय लगेगा। रॉक पेपर सिजर्स खेले। वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और काम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
मुझे छिपना होगा। समझ गई। वेंडी वापस आओ, तुम्हें रूल्स पता है ना, स्नैक्स अलाउड नहीं है। हाँ? वो यहाँ है, मैं जानती हूँ। तुम भाग सकती हो पर छिप नहीं सकती। छिप भी सकती हो, अभी ये खत्म नहीं हुआ। क्या वो चली गई? चलाकी में तो मुझे ए मिलना चाहिए। दिलचस्प है, लग तो रहा है वो कितना स्मार्ट है और प्यारा भी। है ये तुम्हारे लिए है, मुझे कॉल करना। क्या क्या सच में? मुझे नहीं चाहिए। क्या? ओ, कुछ हुआ है? वो अपनी मेकअप के साथ खुद को पता नहीं क्या समझती है। ये बहुत गलत बात है, यहाँ मेकअप कर नहीं आ सकती। लगता है क्लास का सारा सामान आ गया, आज के लेसन में बहुत समय लगेगा। ओ, ध्यान से देख कर तो चलो। देखो तुमने क्या कर दिया, ये गलती से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। आजकल के बच्चे भी ना। हाँ, ये क्या है? ये मेरा तो नहीं है, पर रख लेती हूँ। अपना नींबू पानी और कैंडी ले जाओ। हाय, आपको क्या चाहिए? मुझे कैंडी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, पर फ्री में नहीं। ओह हाँ बिल्कुल। अरे रुको, मैंने अपने पैसे गिरा दिए। आज का दिन कितना बुरा है, पैसे नहीं है तो कैंडी नहीं मिलेगी, माफ करना। तुम जा सकती हो, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे शांत होना होगा। हे तुम क्या कर रहे हो? तुम ये साफ भी करोगे ना? रूम में गंद मचा हुआ तो मॉम बहुत गुस्सा होंगी। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, और ये काम जरूर करेगा। मुझे ये चाहिए होंगे, फोम से एक फुटप्रिंट काट लेते हैं, वो भी अलग अलग कलर्स के, और अब एक के ऊपर एक रखेंगे और सबको साथ में जोड़ देंगे। मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। अब सबसे ऊपर वाली लेयर पर ग्लू लगाएंगे, इसे अच्छे से कवर कर देंगे, ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। अब लेयर्स के बीच में कट लगाएंगे, इसे इसमें से निकाल कर यहाँ पर बॉक्स लगा दें। ये पैसे रखने के लिए परफेक्ट जगह है, तो अब ये कभी खोएंगे नहीं। ओह तुम वापस आ गए, उम्मीद है इस बार पैसे लेकर आई हो। घबराओ मत, मैं लाई हूँ, अभी देती हूँ। ओह मुझे यही तो पसंद है, ये रही तुम्हारी कैंडी। रूल्स जितने भी बना लो कम है, इन बच्चों को डिसिप्लिन की जरूरत है, खासकर मिंडी को। ओह हाय, नहीं दूर रहो, तुम्हारे साथ मुझे डर लगता है। मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये मेरा माफी मांगने का तरीका है। उम्मीद है आपको स्वीट ट्रीट पसंद है, ये लीजिए। सच में मेरे लिए? तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, तो हमें बाहर मिलना चाहिए। हाँ है, मैं वापस आ गई। उप्स, कितने बढ़िया शूज है मिंडी, और इतने कलरफुल भी, अच्छे लग रही है। ये सिर्फ शूज ही नहीं है, जरा ये देखो, मुझे जो चाहिए वो सब यहाँ है, मेरा लिप ग्लॉस भी, क्या पता कब काम आ जाए, ये मेरा फेवरेट शेड है। अच्छी लग रही हो मिंडी। हाँ तुम कितने प्यारे हो। सच में तुम आज बिजी तो नहीं हो? क्यों ना हम मूवी देखने चले। हाँ जा सकते हैं, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? वाह कितनी बढ़िया क्लास है, देखो क्लास ये बहुत सिंपल है। हाँ है तो। ओह ये बेंडी है, कैसी हो नर्ड? पता नहीं हम साथ में क्यों बैठे हैं। जो भी हो अपनी बुक का पेज 14 खोलो। क्या बकवास क्लास है। चलो स्नैक खाते हैं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत मजा आएगा। तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्लास में खा नहीं सकती। मुझे भूख लगी है। ओह हाँ बहुत अच्छी है, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या हो रहा है? वो चॉकलेट खा रही। रुको मैंने अभी तो देखा था, इस पर नजर रखो, ये बहुत तेज है, ये कोई मजाक नहीं है वेंडी, बहुत अजीब है, शायद मैंने ये ऐसे ही सोच लिया। यही मौका है, मैं कब से ये चिप्स बचा रही थी। अरे चलो भी, ये कैसा मजाक है, ये बढ़िया लग रहे हैं। कितने टेस्टी है, ये क्या बात हुई, आपने ये देखा? अब क्या है, वो बार बार वो तो क्या, ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे निराश हूँ वेंडी, अब तंग मत करना। बिल्कुल जो करना है करो, मैं तो सैंडविच बना रही हूँ। क्या तुमने अभी क्या, वो ये कैसे कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा।
जो भी हो, मतलब अगर मिंडी कर रही है तो मैं भी स्नैक खा सकती हूँ। यहाँ पर कैंडी थी, मिल गई। तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ खाना अलाउड नहीं है, बस एक कैंडी। मिली तो मैं जानती हूँ क्या करना है, मेरी क्लास को परेशान मत करो, ये बहुत गलत बात है। पता नहीं तुम ये कैसे कर रही हो। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, क्या मुझे स्मूदी पसंद है? क्या ये कैसे हो सकता है, ये गलत बात है। गहरी सांस लो, ये भी खत्म नहीं हुआ, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ मजा आ गया, अब क्या करें, क्लास ओवर हो गई, मैं पैकअप कर लेती हूँ, चलो चलें। पता नहीं लंच में क्या है, बहुत भूख लगी है, बोल रही। चलो अब देखते हैं। मुझे यही चिप्स तो चाहिए थे, इतनी जल्दी नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, तुम ये कैसे कर सकते हो, मतलब इतना सारा खाना। रुको, ठीक है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा बोलोगी। क्या क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये लो और मेरे ग्लासेस पहन लो। ये हो क्या रहा है? हाँ ठीक है, ये मुझे वापस दो। यही तो चाहिए था, हिलना मत। हाँ चलो मेरे साथ, चलो बैठो। क्या तुम श्योर हो? भरोसा रखो काम करेगा, बिल्कुल पिंपल जैसे लग रहे हैं, पर ये खाने लायक है। अब मैं खा सकती हूँ, बहुत अच्छे हैं। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा, देखा, साथ में बैठना इतना भी बुरा नहीं है। ओह टीचर, तो शुरू करें। थैंक्स मिंडी, तुम सबसे अच्छी हो। आज मिंडी का बर्थडे है। ओह वो आ गए। हाय मिंडी, ये हैट क्यों पहनी है? हैप्पी बर्थडे। ये तो इसलिए है, क्लास में चलना चाहिए। तुमने कल रात वो मूवी देखी? जरूर को तो, और उसके बाद वो हॉन्टेड हाउस में गए, और फिर ऐसा क्यों किया? मैं इसे वेंडी के बैग में डाल देती हूँ, बहुत डरावनी थी, मुझे पूरी रात बुरे सपने आए। बैठ जाओ गर्ल्स, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, तो चलो। वेंडी, क्या हुआ? अपना बैग खोलो। हाँ मेरा बैग? अपने बैग में देखो जल्दी, उसमें कुछ है। हाँ सच में? ठीक है मैं कर लेती हूँ, ये मुझे दो। अब इसके अंदर देखो। वाओ, तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। ओह इसकी क्या जरूरत थी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। क्या वो कुकीज है? पता है ना क्लास में खा पी नहीं सकते, ये मुझे दो। पर ये तो गिफ्ट है, शेयर कर लेते हैं ना। ओह ये सबसे बुरा बर्थडे है। उदास मत हो, कोई बात नहीं। टेस्टी है, मैं एक पैकेट घर भी लेकर जाऊंगी, वो हमारे सामने ही खा रही है। मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी इमरजेंसी के लिए तो मैं कुकी रखती हूँ। क्या तुम ये क्या कर रही हो? चुप रहो, ये देखो कुछ और भी चाहिए होगा, ये हेयर बैंड सही रहेगा। क्या मैं समझी नहीं, चुप कर बैठ जाओ। पहले इस कुकी को तुम्हारी स्कर्ट के नीचे रखेंगे, अब इसके आसपास हेयर बैंड बांध देंगे, इससे टिकी रहेगी। पूरी स्कर्ट पर बांध देंगे, ये बहुत फैशनेबल लगेगा। लो हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह ये तो कमाल है, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। चुप रहो गर्ल्स, चलो अब स्नैक खाते हैं। बैंड को हटा देंगे और मुझे कुकी मिल गई। हाँ ये क्या था, मैं तुम दोनों को देख रही हूँ, मैं जानती थी ये काम करेगा। हे तुम्हें ट्रीट मिलनी चाहिए। ओह थैंक्स बेस्टी। विश्वास नहीं होता कि मुझे हेल्प मिला, बस ये मॉम ना देख ले, पर मैं जानती हूँ क्या करना है, मैं इस पर अपना हेयर स्ट्रेटनर चला देती हूँ और ऐप गायब हो जाएगा बिल्कुल जादू की तरह। ओ मॉम आ रही है, जल्दी करना होगा, लगता है मुझे A+ मिलना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, रीना तुम घर आ भी गयी? ओह हे मॉम, मुझे मेरे टेस्ट रिजल्ट मिले। एक मिनट रुको, जरा मुझे देखने दो।
ओह नहीं, अब तो मैं गई। मुझे तुम पर गर्व है स्वीटी, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल मुझ पर गया है। बिल्कुल मॉम, और चालाकी डैड से मिली है। मैं आ ही गई, मुझे लगा लेट हो जाऊंगी। ठीक है, मेरी नोटबुक कहाँ है? काश मैं कहीं और बैठ सकती। ये रही। ये क्या है? नहीं, पेंसिल स्लिप हो गई। बहुत बढ़िया, और अब मैं इरेजर इस्तेमाल नहीं कर सकती। कैसी हो, तुम्हारे पास इरेजर है? बिल्कुल, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक तो था। कहाँ है? इतनी सारी फालतू की चीजें, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने मांगा ही क्यों? जरा रुको, हाँ यही है, माफ करना, नहीं मिल रहा। ओह ठीक है, रुको, ये क्या है? तुम क्या बात कर रही हो? आह, तो ये यहाँ था, शुक्रिया। अजीब है, मुझे अपना बैग साफ करना चाहिए। रुको, मैं ये और नहीं सह सकती, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरे पास एक चीज है, एक कार्ड की शीट लेंगे और इसे तीन बार फोल्ड करेंगे। पहले इस तरफ से फोल्ड करते हैं और कोने पर ग्लू लगाते हैं। अब दूसरी तरफ फोल्ड करते हैं, इसे अच्छे से चिपका दें। ऊपर की तरफ थोड़ी ग्लू लगाएंगे और आधे में फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल एनवेलप की तरह। इसे एक साइड पर रखेंगे, ऐसे ही और बनाएंगे अलग अलग कलर के कार्ड से, बिल्कुल रेनबो की तरह। इनके आसपास एक फोम का पीस रैप करें और वेलक्रो लगा दें। अब यूनिकॉर्न का चेहरा बनाने के लिए फोम इस्तेमाल करें। ये वॉलेट की तरह बन गया और क्यूट लग रहा है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। वाह, ये तुमने बनाया, कमाल है। वाह, जरा ये देखो, इसमें मेरी सारी चीजों के लिए जगह है, मैं इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे यही तो चाहिए था, ये परफेक्ट है। सब हो गया। मुझे भूख लगी है, मुझे स्नैक चाहिए, लगता है मेरे बैग में कुछ है। हाँ कुछ तो था। ओह कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये मेरा शुक्रिया अदा करने का तरीका है। क्या ये इसमें कैसे फिट आया? हे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे तो ये फेवरेट है। ओह ये निकल ही नहीं रही। ओह नहीं, ओह नहीं, मुझसे दूर रहो। तुम भाग सकती हो पर बच नहीं सकती। जरा बात कर लेते हैं, मुझे बस तुम्हारे ग्रेड्स देखने हैं। ये तो हार ही नहीं मानती। हे जीना, ये तुमने क्या किया और ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ। जल्दी मैं मदद करती हूँ। मुझे कैप नहीं मिल रही। रुको, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है, शायद ये काम करे। हम डॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, इसका सर किसी बॉडी से अलग करेंगे और ग्लू बॉटल पर लगाएंगे, इसे घुमाकर सिक्योर कर देंगे। हे, ये बढ़िया है, अब मुझे ग्रेड्स दो, तुम्हें जल्दी करना होगा। वाह, बॉटल को स्क्वीज करेंगे और इसमें से ग्लू निकलेगी। ऐसा लग रहा है इसकी नोजी है, गंदा है पर फनी लग रहा है। और ये काम किया, इसे टेस्ट पर लगा देंगे, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। अब मेरी बारी, ध्यान रखना टीचर को ना पता चले। वाह ये तो कमाल है, बहुत बढ़िया वेंडी, एफ को गुड बाय कहो। और आ गया ए प्लस, बिल्कुल समय पर हुआ है। आखिरकार तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी। अब मुझे अपने पेपर्स दिखाओ। ये लो, कोई डर नहीं दिखना चाहिए। मैं हैरान हूँ, बहुत अच्छे जीना। और अब तुम दिखाओ वेंडी। ठीक है, मेरा ग्रेड, ता-दा! एक और ए प्लस। अरे वाह, मुझे तो लगा तुम फेल हो जाओगी, बहुत अच्छा काम किया गर्ल्स। एक सेकंड रुको, ये सब क्या है? मुझे तुम बच्चों का कुछ समझ नहीं आता, ये मुझे दे दो, सब ठीक है। हे गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कितना गुस्सा आता है ना जब फोन की बैटरी लो हो और चार्ज करने की कोई जगह ना मिले। आपको बस दो बनानास चाहिए, इन्हें इस तरह टेबल पर रखें। मैं तो भूल ही गई थी, हमें एक और चीज चाहिए, थोड़ा कैश। जरूरी तो ये कॉइन है, किसी एक बनाना में इस तरह कॉइन लगाएं। अब इसे दूसरे बनाना में डाल दें। अब अपना चार्जर लें और इसे बनाना में लगा दें। ये तैयार है, अब फोन प्लग इन करें और इसमें चार्ज हो जाएगा। गाइस, जरा ये देखो, ये सच में काम कर रहा है।
आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ समझ गए, शो में आपका स्वागत है। जरा ये गोल्ड देखो, अब इन ट्रॉफीज के मालिक को मिलते हैं। सबका फेवरेट एथलीट सनी। ओह ये शॉट अच्छा होगा। कैसे हो? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपनी बास्केटबॉल हीरो बनने की जर्नी के बारे में बताओ। मैं हीरो नहीं हूँ, मैं एक सुपरस्टार हूँ, समझी? आओ मेरी गलती है, आगे बताओ। ये सब बचपन से ही शुरू हो गया था। एक प्रो बनने के लिए रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरे पास हूप नहीं था तो मैंने ट्रैश कैन से शुरुआत की। ओह रह गया, मुझे लगा था उस पर चला जाएगा। मैं ये पिज्जा बॉक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, शायद ये काम करे। मुझे हूप मिल गया है, पहले बॉक्स को खोलेंगे। अब बास्केटबॉल से थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसे अलग सेक्शंस में बांटेंगे और फिर काट लेंगे। इसे पूरा नहीं काटना। हाँ चलो इसे ट्राई करते हैं, ये जगह सही है। बॉक्स के पीछे का हिस्सा दीवार पर चिपका देंगे। अब सर्कल को इस तरह पुश करेंगे और सनी आ रही है और उसने उसमें डाल दिया। एक बार दोबारा, ये देखो बूम। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगा चला गया। कोई आसपास नहीं है तो खुद ही डाल देते हैं। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। और रोमन, ये मेरी जीत की सच्ची कहानी है। लो अपने आंसू साफ करो, ये लो टिश्यू। मुझे हैप्पी एंडिंग बहुत पसंद है। तुम पिज्जा बॉक्स कह रही थी, तुम्हारे पास वो है? हाँ क्यों नहीं आशले, ये रहा असली बॉक्स, इसी के साथ मैं एक चैंपियन बनी थी। वाह कमाल है, मुझे देना, कोशिश करो। ये देखो तुमने कर दिखाया। आज हम इसे यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया सनी, अगली बार मिलते हैं, बाय। ये कितनी जबरदस्त चीज है। ओह हाँ शेक इट, कितना स्क्विशी है, जरा देखो। हाँ वो कमाल है, काश मेरे पास भी ऐसा कूल टॉय होता, या फिर सनी मुझे इसके साथ खेलने दे। एकदम आराम से, वो जरा इसे देखो, कितना हिप्नोटिक है। पूछने में कोई बुराई नहीं है। हे रुको, मैं नहीं पूछ सकती। कुछ नहीं। ये क्या था? ये अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कुछ नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे साथ कुछ हो। हाँ एक लॉलीपॉप, मुझे लगा। चलो छोड़ो, मैं प्रैंक कर रही थी। हे सनी, मैं स्प्रिंग जैसी चीज के साथ खेल सकती हूँ, मतलब ये। हाँ एक मिनट, तुम तैयार हो? क्या नहीं? ओ ये अच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। अब ये मेरी है और ये सबसे बढ़िया है, उसे हमेशा अच्छी चीजें मिलती हैं। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। स्टिकी नोट्स को इस तरह अरेंज करेंगे। अब सनी का नोट लेंगे और लेयर्स बनाते जाएंगे अलग अलग कलर्स की। हर नोट को एक एंगल पर लगाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। सारे के सारे लगा देंगे, ये बन गया नोट्स का स्पाइरल। अब बस आखिरी के बचे हैं, तो इन्हें सीधा एक के ऊपर एक लगा देंगे इस तरह। बस ये आखिरी है, अब जब इन्हें स्ट्रेच करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। बढ़िया है ना? अब मैं जानती हूँ, ये तो काफी लंबा है। वाह फैंसी स्प्रिंग किसे चाहिए, मैं इसे पूरा दिन देख सकती हूँ। कितना कलरफुल है, और ये मैंने खुद बनाया है। वाह कितना कूल है। हे सनी जरा ये देखो। तो मैंने कहा जो भी हो लिली देखो। वो हाँ सब ऐसा ही करते हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला अश्ली? पर तुमने इसे खुद बनाया है, मेरे लिए भी एक बना दोगी? मुझ पर पार्टी हार्ट जचती है, लगता है सब तैयार है। ये रहा केक और चाय, और ये रही गेस्ट। हैप्पी बर्थडे। ओ इसकी क्या जरूरत थी। ओ ये केक बहुत टेस्टी लग रहा है। एक सेकंड रुको, बिना चाय के केक नहीं खा सकते, बस ये गर्म हो जाए। सनी
बस एक ही टी बैग बचा है, बस यही है और नहीं। ओ ठीक है, तुम ये रख लो। नहीं, तुम मेरे गेस्ट हो, ये तुम रखो। नहीं, ये तुम्हारा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। ले लो प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें चाहिए। टी बैग ले लो ना। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम किससे बात कर रही हो? ये देखो, पहले टी बैग से स्ट्रिंग निकाल लेंगे, अब इसे खोलेंगे, अब हमें कैची चाहिए। बीच में से एकदम ध्यान से टी बैग काट देंगे। ध्यान से काटना होगा। ये दो टी बैग में बट गए। अब जादू देखोगी। वो तुम तो जादूगरनी हो। मैं केटल लाती हूँ, मजा आएगा। अब हम केक खा सकते हैं। बिल्कुल, मजा आ गया। शुक्रिया बेस्टी। पर जस्टिन लूना के साथ डांस कर रहा था और गैबी ने उन्हें देख लिया। उसने क्या किया? गैबी बहुत गुस्से में थी। ओह, खाना आ गया। एंजॉय लेडीज, मुझे बहुत भूख लगी है और ये स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे सीरियल बहुत पसंद है। हाँ, कहाँ है? दोबारा ट्राई करते हैं। ये हो क्या रहा है? ये आवाज कैसी है? लगता है ये चम्मच टूटा हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है। तुम मजाक कर रही हो ना? हे वेटर, यहाँ आओ। कुछ हुआ है? ये तो तुम बताओगी। ये क्या है? ओह मैडम, कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर देती हूँ। मैं इसे जोर से मारती हूँ। जरा देखो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आने वाली। बस हो ही गया, जितना सोचा था उससे बहुत मुश्किल है। मैं क्या देख रही हूँ? ये परफेक्ट नहीं है, पर चल जाएगा, उम्मीद तो है। ये हुई ना बात। ये इतना मुश्किल था क्या? अगली बार ठीक कर लेकर आना। तुम इसे पलटा सकती हो जैसे आम इंसान खाते हैं। देखा, ये बहुत आसान है। तुम्हें समझ में आया भी? इसे पलट लूं? ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। रुको, ये क्या हो रहा है? दोबारा वैसे ही हुआ। तुम ये कर क्या रही हो? मेरे सर में दर्द हो गया है। चम्मच को पलटना वो काम नहीं करेगा। खैर, आज भी कमाई का मौका है। जरा रुको, इन स्पून को देखो, ये सारे खराब है। पूरा बैच ही खराब है। मेरी नजरों के सामने नहीं, मुझे इन्हें ठीक करना होगा। कम से कम मेरा स्ट्रेस कम होगा और इसके पैसे भी मिलेंगे। क्या जॉब है। चलो इस बोरिंग फोन केस को कुछ मजेदार बनाते हैं। मुझे बस ये 3D पेन चाहिए। पहले कैमरा लेंस के आसपास ड्रॉ करेंगे, अब केस के कोनों में करेंगे। कितना बढ़िया कलर है और बहुत ब्राइट है। अब केस के साइड्स पर करेंगे। ये वाला पार्ट हम अक्सर भूल जाते हैं। जब ये हो जाए तो केस के आसपास डायगोनल लाइंस बनाएं। बिल्कुल इस तरह। ऐसा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। ये बढ़िया लग रहा है। अब फोन को उल्टा कर देंगे। और इसका स्माइली फेस तो देखो। हमें ब्लू की एक इमेज चाहिए होगी। इस पर भी 3D पेन से ट्रेस करेंगे। ये फ्री हैंड बनाने से ज्यादा बेहतर है। अब इसे फिल कर देंगे, बस आंखों के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसे व्हाइट प्लास्टिक से फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर डायगोनल लाइंस बना रही हूँ। अब इसके आँख के ऊपर एक एक्स बनाएंगे। जब आँखें पूरी हो जाए तो इसके क्राउन की बारी है। इसे येलो से भर देंगे। बिल्कुल, मुझे एक आर्टिस्ट होना चाहिए था। अब इसे फोन स्क्रीन से उतार लेते हैं। फोन को उल्टा करेंगे और इस पर ब्लू को लगा देते हैं। कितना अलग लग रहा है। इसे कहते हैं फोन केस और ये परफेक्ट है। मैं लिपस्टिक टचअप कर लेती हूँ। कहाँ है? ये बेहतर है। मैं यही तो ढूंढ रही थी। थैंक्स एनी। तुम ये क्या कर रही हो? नहीं, ये मत करो। मुझे ये शेड बहुत पसंद है। ये मेरा है, याद रखो। वाह, तुम कितने पंगे लेती हो। ओह नहीं, ये मत करो। बस करो एवा, मैंने कहा ना। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। बस करो, ये देखो। ओह, बहुत सुंदर है। तो मैं भी ये कर सकती हूँ। तुम्हें ये कैसा लगा? अच्छा, ये लो। ये मुझ पर तुमसे ज्यादा सूट करता है। तुम क्लाउन जैसे लग रही हो। बहुत गंदा क्लाउन। बस करो, बहुत हुआ।
ये मेरा है, सिर्फ मेरा। अच्छी कोशिश की एनी। ओ, शायद मेरी लिपस्टिक थी ही नहीं। अजीब हो गया, मुझे एनी से माफी मांगनी होगी। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे अपना 3D पेन चाहिए। इससे लिपस्टिक ट्यूब पर एक लूप बना देते हैं। इसे घुमाते जाएंगे, लेयर्स बनती जाएंगी। बिल्कुल इस तरह, इस तरह घुमाते ही जाएंगे। और जब हम कोने पे आ जाएं, तो इसके नीचे का हिस्सा भी फिल करेंगे। इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ये परफेक्ट है। मैंने लेटर ए बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल किया है। इसे ट्यूब पर लगा देंगे। जी हाँ, ये पूरा हुआ। ओह, एनी आ गई। एनी, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ये क्या है? क्या ये मेरी लिपस्टिक है? वो, ये बहुत कूल है। थैंक्स एवा, माफ करना। देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। नेकलेस को देखने से रुक ही नहीं पा रही। ये एकदम कमाल है। मैं बहुत लकी हूँ, कितना खूबसूरत है। वाओ! आओ, बहुत जोर से लगी। ओ नहीं, मेरा नेकलेस, ये टूट गया। देखो। ओ, वो देखो, शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। हेलो, क्या अंदर कोई है? इस पॉट बेल्ट की क्वालिटी तो देखो। हे, यहाँ, यहाँ देखो। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ यानी, आओ अंदर आ जाओ। हाँ, पक्का? तो कैसा चल रहा है? मेरा नेकलेस टूट गया। हाँ, ये तो सच में टूट गया। चलो मैं ठीक कर देती हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये ठीक नहीं हो सकता, इसे फेंकना ही होगा। पर मुझे वो बहुत पसंद है। चुप रहो, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देती हूँ। जरा ये देखो, तुम ठीक तो हो ना? ये मेरे स्टाइल का नहीं है। अभी पूरा नहीं हुआ? नहीं, मुझे ये भी पसंद नहीं आया। ये थोड़ा वाइल्ड है। वाह, तुम ज्वेलरी को लेकर कुछ ज्यादा ही फंसी हो। मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं है। हम कुछ तो कर सकते होंगे। एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। मुझे बस ये पॉपिट चाहिए। इस 3D पेन से हम इस डिम्पल को प्लास्टिक से भर देंगे, बिल्कुल नीचे तक। अब इस पर नेकलेस लगा देंगे और इसे और प्लास्टिक से कवर कर देंगे। ध्यान रहे, नेकलेस को भी कवर करना है। अब इसके सख्त होने का इंतजार करेंगे। हम इसे पॉपिट से निकाल सकते हैं। ट्राई करो, कैसा लग रहा है? मुझे देखना होगा। वाह, ये तो फ्लावर्स लग रहे हैं। विश्वास नहीं होता कि ये तुमने बनाया। एवा, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया। हे, ये तो मेरा पर्स था। क्या? हाँ, ये? हाँ? हाँ? वाह। हे, वुप्स।
कर लिया। तुम कितने सॉफ्ट और स्क्विशी हो। जरा रुको। वो क्या है? मॉम बिजी है, यही मौका है। सब ठीक तो है? बस थोड़ा सा और, पहुंच ही गए। तुम ये क्या कर रही हो? मैं इसी का इंतजार कर रही थी, मौका मिल गया आखिरकार। नहीं, हिम्मत भी मत करना, इतनी जल्दी नहीं है। वाह, फिर से रह गया। एक दिन जरूर करूंगी मॉम, मैं जरूर करूंगी। मुझे इसे होने से रोकना होगा। इस आउटलेट को टेप से कवर कर देती हूँ, ये काफी है। अब एवा कुछ नहीं कर सकती। गुड बाय दोस्त, एक दिन हम जरूर मिलेंगे। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, आओ बैठो। ओह बहुत सॉफ्ट है, हमने इसे दोबारा सजाया है। तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें ऑर्नामेंट्स कैसे लगे? ओह इतनी बड़ी फिश, क्या ये मॉडर्न आर्ट है? वो एवा की वजह से हुआ, जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, पहले 3D पेन से एक सर्कल बनाएंगे, तब इसे फिल करेंगे, बीच में एक रेक्टेंगल बना देंगे, इसे खाली छोड़ेंगे। ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है, अब व्हाइट प्लास्टिक से रेक्टेंगल को फिल कर देंगे। ये बहुत आसान है, मजेदार भी है। हाँ, अब अगले स्टेज पर चलते हैं। डिस्क पर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इसे इस तरह फिल कर देंगे। ये तैयार है, इसे आउटलेट में लगाएंगे। मैंने और भी बनाए हैं, वो भी अलग अलग शेप्स के। ये एवा को पहले ही रोक लेगा। क्या, ये क्या है? हे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं इसे बोर हो गई हूँ। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ओह, एक बेहतर आइडिया है। उप्स, नहीं! इसे रोको, मैंने संभाल लिया। मैं यहीं पर हूँ दोस्त, चलो टिश्यूज निकालते जाएं। हम इसे फैलने नहीं देंगे। रुको, ओह इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मतलब ये तो अच्छी बात है, पर मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। ये अभी भी घूम रहा है, ये तो कोई अलग ही रिकॉर्ड बन रहा है। रुको रुको, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बोरिंग होता जा रहा है। अरे चलो भी, जरा रुको, कुछ हो रहा है। एवा उठो, आखिरकार देखो ये गिर रहा है, मेरा लैपटॉप। वो सिर्फ एक सपना था। एवा नहीं, पकड़ लिया। क्या हो रहा है? बाल बाल बचे, हम नहीं चाहते कुछ बुरा हो। मग के ऊपर एक फॉइल लगा देते हैं, इसे कप के ऊपर टिका देंगे, वो भी बिल्कुल कसकर। अब मुझे मेरी ग्लू गन चाहिए, ग्लू से बीच में एक सर्कल बना देंगे। अब इसे बिल्कुल कोने तक लगाते जाएं, पूरा फॉइल कवर हो जाना चाहिए और ये कोने से गिरना चाहिए। इसे गिरते देखने में बहुत मजा आ रहा है। अब इसे सेट होने देंगे, अब फॉइल निकाल लेंगे, ये मग के लिए बहुत बढ़िया कवर बन जाएगा। तुम्हें कैसा लगा? वो आराम से, वाह कमाल है। चलो होमवर्क पूरा करें। रुको, ये मेरे लिए है, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे आनी। चलो चलो इसे खोलो, बहुत मजा आएगा। थैंक्स, शायद ये बहुत सुंदर है, इसकी क्या जरूरत थी? क्या हो गया? मेरे पास पहले से ईयरफोन्स हैं, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है ट्राई करते हैं, बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा। ओह मुझे ये पसंद आए, चलो पार्टी करें। थैंक्स एवा, मैं डांस कर थक गई हूँ, अब बैठ जाते हैं, मजा आ रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी है, रुको मेरे ड्रिंक में कुछ है। ये क्या है? एव, ये इसमें कैसे आया? जरा रुको, ओह अच्छा तो ये बात है। ओवी, ला 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 ला, मैं वैक्यूम कर रही हूँ। शुभ्द वो, ला ला ला। इस फर्श पर कितनी धूल है,
हाँ, ये आवाज कैसी थी? वैक्यूम को क्या हो गया? ओह, दोबारा नहीं। चलो मेहनत करें, ये एयरपॉड्स कहीं नहीं जाने वाले। मैंने अच्छे से लगा लेती हूँ, तो चलो शुरू करें। अब पता चला मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं होगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह नहीं, ये कैसा मजाक है? वापस आओ, रुको, मेरे लिए रुको। प्लीज, मैं इतनी तेज नहीं भाग सकती। ओह, बस पकड़ ही लिया। प्लीज रुक जाओ, आज के लिए इतना कार्डियो काफी है। हाँ, ये अजीब है, ये कहाँ से आ गया? ये मेरा है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए आनी, और थोड़ी इन्वेंटिव हो जाओ। ये देखो, तुम्हें बस ग्लू गन चाहिए। कान की आउटलाइन बनाएंगे इस तरह। अब इस पर एयरपॉड लगा देंगे। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना सर इस तरह शेक करूंगी और ये गिरेगा भी नहीं। मुझे यही तो चाहिए था। तो चलो, कभी कभी जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं, पर चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको बस एक 3D पेन और ग्लू गन चाहिए, उनसे सब ठीक हो जाएगा। आपका सबसे फेवरेट हैक कौन सा था, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।